टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين شاہِ مدینہ ایک
कदमों में तेरे अर्श भरी है, कदमों में तेरे अर्श भरी है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है, ये आका वेलकम बैक। और क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह का वक्त है, दैट मीन्स यू नो बहुत एक्साइटिंग वक्त है। इस वक्त हमारे पास वक्त है ऑलपज का। ऑलपज का आपको पता है कि मैं क्या कहता हूँ, ऑलपज फुल क्रीम मिल्क मेक्स योर मॉर्निंग्स रियली 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 हैप्पी। मिल्क दैट इज सोर्स्ड एवरी डे फ्रॉम द फार्म्स इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफकोर्स न्यूट्रिशन से भरपूर होता है ये। ऑलपज फुल क्रीम मिल्क हैज नो प्रिजर्वेटिव्स, US ट्रीटेड होता है, 28 डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है। जिन बफलोज और काओ का ये मिल्क होता है उनकी गजा का खास ख्याल रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह इनकी हाइजेनिक पैकिंग, ताकि आपको मिल सके साफ मजेदार और गाढ़ा दूध, दुनिया का बेस्ट मिल्क एंड बेस्ट क्रीम। थैंक यू ऑलपज, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इनका ओरियो चॉकलेट शेक बना रहे हैं, और वो कमाल है जी। किस तरह से बना रहे हैं आप देखिए। सबसे पहले, बिकॉज आई लव दिस, सबसे पहले मैंने ऑलपज की जो क्रीम है वो ली है। इसको आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना गाढ़ा शेक हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं ऑलपज की क्रीम ली है। ऑलपज की क्रीम लेने के बाद आई एम ऐड सम आइस टू इट। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं, लेकिन कुछ आइस मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। थोड़ी सी मैंने आइस डाल दी, एंड इस आइस को डालने के बाद, दिस इज इनफ आई थिंक, थोड़ा सा और डाल देता हूँ मैं। डाल दिया मैंने ये आइस। डालने के बाद अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर ओरियोज। ओरियोज आप जितना ज़्यादा डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 8 से 10 ओरियोज लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और उसके साथ साथ ये चॉकलेट आइसक्रीम है, आई एम गोइंग टू पुट दिस इन, ये मैंने डाला है। इसके बाद इट्स रियली ईजी, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिल्क, इट्स राइट हेयर, ये मैंने डाल दिया है। ये थिक क्रीमी टेक्सचर के साथ आपको ये ओरियो चॉकलेट शेक बनेगा, और बहुत कमाल होता है, बहुत ज़्यादा कमाल होता है। And I want you guys to see this. Okay. बस ये बस हो जाए. Yeah. Now start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ज़्यादा कर दिया तो हाल हो जाएगा ये. It takes about literally 2 minutes to make all this. 2 minutes लगते हैं. अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, शक्कर मैं सबसे आखिर में डाल रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी डलती है। अच्छा, शक्कर वैसे भी आज हमारे पास थोड़ी सी कम है, और मुझे अभी ऑर्डर भी करनी है। मैं आपको उस ऑर्डर करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं दोबारा से इसको शक्कर डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा चला दिया। अब ये कमाल किस्म का बनेगा। 1, 2, 3, 4 and 5 एंड वो डन। थैंक यू ऑलपज, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मैंने निकाला, और अब आप इसकी थिकनेस भी देखिएगा और मुलाहिजा कीजिएगा हाउ दिस इज। ये चॉकलेट ओरियो शेक है, ये कमाल होता है, बहुत कमाल होता है। दिस इज़ रियली गुड। थैंक यू ऑलपज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको याद है ना, मैं हमेशा कहता हूँ किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सो आई एम क्लीन दिस, इसको बिल्कुल साफ़ कर दूंगा मैं। और उसके बाद एक बहुत एक्साइटिंग सी खबर है मेरे पास आपके लिए, बहुत एक्साइटिंग खबर है, और ये आप पैंडेमिक के अंदर कर सकते हैं। ये इतना बड़ा जो पैंडेमिक हमारे पास है ना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि हमारे पास शक्कर जो है वो ख़त्म हो गई है, चीनी ख़त्म हो गई है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। 6, 4, 2, 3 और ये मैंने डाला। अच्छा जी, चीनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो अब मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर गया हूँ। आपको पता है कि ये पैंडेमिक है, और उस पैंडेमिक में कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और पिंडी में भी आप घर बैठे 30 मिनट के अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और सामान ऑर्डर कर सकते हैं। कमाल होता है ये जी। मैं यहाँ पर गया हूँ फूड पांडा की ऐप पे, और यहाँ पर पांडा मार्ट की ऐप है, आप पांडा मार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इसको ज़रा दिखा दीजिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये पांडा मार्ट की ऐप है, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये हमारा जो फेमिलर साइन है वो आया। आने के बाद यहाँ पर अब आई होप कि नेट हमारा काम करे। वेट, ये नेट का मसला है भाई, पूरी कोशिश है, इधर उधर आगे आगे पीछे हो जाऊंगा।
मैं दिखाना तो चाहता हूँ, मुझे शुगर शुगर ऑर्डर करनी है और मैं ऑर्डर कर दूंगा। थोड़ा सा अगर ये नेट चल जाए हमारा तो बड़ा कमाल हो जाएगा। और चल गया। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, चल गया। दिखाई देखिए जी, चल गया जी। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ मैं लिख रहा हूँ शुगर, SUGAR, शुगर। शुगर लिख भी दिया और शुगर आ भी गई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 99 रुपीज़ की शुगर आ गई है। लोकेशन मैंने डाली हुई है। इसके बाद मैंने इसको ऐसे किया, ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया। ये देखिए यहाँ पर किया शुगर 1 kg एंड थरा ऑर्डर हो गई जी, ऑर्डर हो गई है। अब ये शुगर ऑर्डर हो चुकी है, ये देख लीजिए शुगर ऑर्डर हो चुकी है। अब विद इन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हमारे पास शुगर आ जाएगी। लेकिन ये बड़ी कमाल बात है, थैंक यू फॉर अमार्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है हमें अगले किचन की तरफ जाना है, लेकिन अगले किचन में जाने से पहले सबसे पहले आपने अपने हाथ धोने हैं। क्यों धोने हैं? क्योंकि 99.99% बैक्टीरिया का खात्मा होता है, वायरसेस का खात्मा होता है, और इसलिए खात्मा होता है बिकॉज हम लाइफ बॉय का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कोरोना जैसे खतरनाक जरासीम भी उसके लिए भी लाइफ बॉय कमाल है। सो 99.99% बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने इसको खोला है, थोड़ा सा पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ है। मैंने लाइफ बॉय लिया है थोड़ा सा। लाइफ बॉय लेने के बाद आपको पता है कि धोने कैसे हाथ, इस तरह से हमने हाथों को धोना शुरू किया है। अपने नाखून को मैंने साफ़ किया है, अपने थम्स को साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद इस तरह से मैंने हाथ धो दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल डन, अमेजिंगली डन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लाइफ बॉय। लाइफ बॉय आपको देता है 99.99% जरासीम से हिफाजत। अब हम तैयार हैं किचन में जाने के लिए, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा एक ब्रेक का। लेते हैं एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रूह से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। Alright, जी, once again, welcome back. और मैं इस वक्त नौरीन के पास आ रहा हूँ। जी नौरीन, हो गया सब? जी हो गया। Alright, जी, कर्शी जामिशीरी, नया दौर है, सबका अपनी सेहत पे जोर है, इसलिए एनर्जी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान भर का आजमूदा जामिशीरी आज भी आपके पास है। जामिशीरी पाकिस्तान का नंबर वन फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि 100% खालिस तरक्या से मिलकर बना है। इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता, एंड बाय द वे पीने से तबीयत भी भारी नहीं होती। हाँ जी, अच्छा बता रहे कर्शी जामिशीरी का स्ट्रॉबेरी शेक है, क्या हुआ? जिसके लिए गला खराब है। ओ, ओ। जिसके लिए हमको चाहिए दूध। ओके, ठीक है, 2 ग्लास दूध चाहिएगा। इसमें स्ट्रॉबेरीज चाहेंगी 1 बोल, इसमें बर्फ चाहिएगी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर जाएगा, और अब हम इसको कर्शी का जामिशीरी 5 to 7 tablespoons। I want to teach classes. What? How to keep your kitchen clean. अच्छा जी, हो गया? जी हो गया। Thank you जी, very very nice. Oh, this is really cool. This is the good one. The way you did that. अच्छा जी, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, done, all done, आइए। Okay. Okay जी, तब हमने कर्शी का, ओह यार वैसे बहुत अच्छा निकला, very nice, very very cool, very nice, जबरदस्त रंग है इसका, and what is it called? Strawberry shake. A strawberry shake. कर्शी जामिशीरी का strawberry shake. इसमें ऊपर से थोड़े से nuts sprinkles कर देंगे. And we're good. ये हो गया। प्लीज ये दिखा दें यार, प्लीज दिखा दें, आप फिर मत कहिएगा। आइए जी। अच्छा, आई टुक द लिबर्टी ऑफ ऑर्डरिंग चीनी okay. कम थी okay. तो मैंने पांडा मार्ट से चीनी ऑर्डर कर दी है, एंड चीनी जो है वो आ चुकी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, चीनी आ चुकी है ना। लाइए जी, मुझे दिखा दीजिए, दे दीजिए। थरा, अभी तो मैंने सिर्फ ऑर्डर किया था, आप चेक तो करें। वी हैव गॉट दिस, पांडा मार्ट से हमारे लिए चीनी आ गई है। दिस इज रियली नाइस, और ये बाकायदा पैक है, सील्ड पैक है। आई एम एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड। वाओ, दिस इज नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ले लीजिएगा, आई एम कीप दिस हेयर, मैं इसको इधर रख दूँ ना जी, आई एम कीप दिस हेयर, सीरियसली आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। अच्छा जनाब, अब हम यहाँ पर किचन में आ गए जहाँ सबरोसो है। आपको पता है सबरोसो क्यों अच्छा है? क्योंकि इनके बहुत सारे वेरियंट्स है। चिकन कचौड़ी तो कमाली है जो इन्होंने इन दिनों इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट से मिलकर बनता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी जो गजाइत है वो बरकरार रहती है। और कोरोना जैसे पेंडेमिक के अंदर भी आप इसको बिला खतर खा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है, आपको बहुत एग्जैक्टली पता है, या आई नो आपको ये पता है कि ये जाहिर है ये इसमें ह्यूमन
कॉन्टैक्ट तो हुआ ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई जरासीम भी नहीं आए हैं और कमाल किस्म का टेस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिचल्स। मिचल्स बड़ा कमाल है। मिचल्स के पांच जायके हैं, सबको मालूम है कौन कौन सा है। मैंगो, लेमन, मिक्स फ्रूट, लेमन बार्ले एंड ऑरेंज। हमारे बचपन की यादों में से एक याद है मिचल। थैंक यू सो वेरी मच। और मिचल्स की जो टोमेटो केचप है, ये तो दुनिया की बेहतरीन केचप है, क्योंकि राइप तरीन टोमेटोज अपने हाथ से पिक करके और आपको दिए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। साथ साथ जूप के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, दिस इज़ जूप। जूप रमज़ान में आप फ्राइड बहुत चीज़ें खाते हैं, और अगर आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो बिल्कुल फिक्र मत करें, आप मोटे नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप जूप की ये एक शीट अपनी प्लेट पे यूज़ करेंगे, फ्राइड चिकन खाएं, फ्राइड चिकन निकालें और उसके बाद ये अपनी प्लेट पे इस तरह से रख दें, और एक शीट जो है वो 260 कैलोरीज को जज्ब करती है। तो कमाल है जूप। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ वी जस्ट वांट टू से थैंक यू टैंक। टैंक बड़ा कमाल है। टैंक के भी पांच जायके इन जिनमें दस्तयाब है, ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल, लेमन एंड पेपर। बहुत शुक्रिया टैंक, थैंक यू सो वेरी मच। देन ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट मिल्क पैक। मिल्क पैक बहुत कमाल है, और ये हमने प्री हीट किया हुआ था ऑयल, और हमने डाल दिया है 200 चिकन नगेट्स हमने डाल दिए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो क्रीम होती है वो 100% डेरी क्रीम है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट जो है वो एडिड नहीं होता। ये तीन वेरिएंट्स के अंदर आती है। रेगुलर क्रीम जो इनकी वो बड़ी कमाल है, 29.5% ओनली इसके अंदर फैट होता है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मिल्क पैक, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ जी, लेट्स कम टू टाइम। फ्राई हो रहे तो मैं इतने मिल्क पैक क्रीम का एक डिप बना लेते हैं। अच्छा, डिप के लिए मुझे चाहिए। और आई जी एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मिल्क पैक का एक डिप भी बनाएंगे, साथ साथ हमारे ये चिकन नगेट्स जो हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। चीनी हमारे पास पाना मार्ट से आ चुकी है, ये रखी हुई है सामने। थैंक यू सो वेरी मच जी। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, एक काम और बता दूं मैं आपको कि हमने पांडा मार्ट की यूज़ कर लिया है, शक्कर जो है वो हमने इस्तेमाल कर ली है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अगर आज ऑर्डर करते हैं तो उनको 20% ऑफ मिल सकता है। ऑफ कोर्स उनको प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा 20, फ्री डिलीवरी के साथ वो अवेल कर सकते हैं 20% ऑफ, यानी फ्री डिलीवरी भी मिलेगी और 20% ऑफ भी मिलेगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं उनको। आइए जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडा मार्ट। लेट्स गो टू यू मैम, क्या है? अब हम बना रहे हैं सार डिप क्रीम, ठीक है? Alright. नेस्ले की क्रीम के साथ मुझे नेस्ले क्रीम दीजिएगा। अच्छा, मैंने इसमें 2 tablespoons योगर्ट डाला है, अब मैं इसमें 2 tablespoons नेस्ले की क्रीम डालूंगी। ओके, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड क्रश्ड गार्लिक। इधर ही रखिएगा, एक मिनट ठहर जाए। हाँ जी, इधर दिखाइए, कैमरे में नजर आना चाहिए ना। अच्छा, ओके, हाँ, देयर यू गो, दैट्स इट, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दिस इज डन। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको सर्व कर देंगे। हो गया जी? जी, थैंक यू वेरी मच। हमने इसको यहाँ रख दिया है और दोबारा से वी प्लेस दिस। आप इधर आ जाइए टैंक के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये हमने सबरोसो का और मिल्क पैक की जो चटनी बनाई थी वो, मिल्क पैक की जो डिप बनाई थी वो, और सबरोसो की जो नगेट्स हैं वो तैयार हैं। आप टैंक बनाना शुरू। आज हम ऑरेंज टैंक बना रहे हैं, ठीक है? मैंने पानी इसमें डाल दिया है, 2 bottles स्मॉल बर्फ डाल दिया। मैं इसमें ऑरेंज टैंक डालूंगी, 7 to 8 tablespoons, ठीक है? इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, ठीक है? अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। All done? जी, all done. All right, जी, टैंक जो है वो भी तैयार हो गया, और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलाम भी हम सुनवाने जा रहे हैं। इसी में जाना नहीं है, एक्साइटिंग है ना, ट्रांसमिशन एक्साइटिंग है, और ये मेरा फेवरेट तरीन कलाम है जो आपको मिसो सुना रहे हैं। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नौरीन, बहुत शुक्रिया सर, ऑल यू। हुसैनी लाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दी लाल कलंदर, मैं गम लाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दी लाल कलंदर, मेरे गम लाल कलंदर, हुसैनी कलंदर।
हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर मेरे गम काल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर अली 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 नम अली 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 नम अली 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 दम अली 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 दम अली अली तेरे दर तो बलियां वीरा की मुरादा पाया तेरे दर तो बलियां वीरा की मुरादा पाया हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर मेरे गम काल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर ओ अखियां दे विच हसरू लेके खुशियां मंगल आया हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली अली दियाल कलंदर मेरे गम काल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दियाल कलंदर मेरे गम काल कलंदर अली 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 दम अली 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 दम 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 अली अली Ali 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 Dam Ali 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 Dam Ali Ali सायरा बानो साहिबा मेंबर हैं एडवाइजरी बोर्ड की हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की और आसिफ अली साहब फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ट्रस्ट सेल्फ अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो ये बताइए कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का क्याम जो है 1994 में हुआ था 1994 में जी वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 26 ईयर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग इन फोर कंट्रीज वी आर द रजिस्टर्ड एंड टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान यूके कनाडा एंड अमेरिका माशाल्लाह वी हैव आवर ओन ऑफिसेज देयर एंड वी हैव वर्क इन 72 सिटीज ऑफ पाकिस्तान वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट 14 सेक्टर्स फील्ड ऑफ लाइफ लाइक थैलेसीमिया इज आवर फोकस वर्क other than thalassemia we are working on iftar drive eid gift cataract eye operation is our one of the biggest program
उर्दू बोल सकते हैं आसिफ भाई थोड़ा सा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो पानी का जो है वो हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा जो है वो कुर्बानी वक्फ हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो थ्रू आउट द ईयर हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, आपने कब ज्वाइन किया था हेल्प इंटरनेशनल? मुझे फिलहाल अभी 3 साल हुए हैं, लेकिन एज ए मेंबर मैं वहाँ काफ़ी सालों से एसोसिएट थी। okay. पर 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए, तो आपको कैसा लगता है हेल्प करना? बिल्कुल भाई, यूँ समझे दिल को जो सुकून मिलता है ना, और जो उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है हेल्प में विजिट करने के बाद, खून लगाने के बाद, दवाएं मिलने के बाद, ज़िंदगी की जो उम्मीद जागती है, यकीन जाने उससे बड़ा कोई सुकून नहीं, कोई करार नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो कितने पैसे की आपको ज़रूरत होती है साल के? साहिर भाई, मिलियंस की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला अपने गैबी निज़ाम से हर साल पूरा कर देता। वी डोंट हैव एनी टेंशन ऑफ फंड्स। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे, अगर कोई हेल्प करना चाहे हेल्प की तो कैसे होगी? तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेज। पेपैल से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, पाकिस्तान में 5 बैंक अकाउंट्स हैं, ईजी पैसा से कर सकते हैं, चेक भेज सकते हैं, राइडर से मंगवा सकते हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वे, किसी भी तरह से कर सकते हैं जी, किसी तरह। अच्छा, तो एक तो आपने थैलेसीमिया का बताया, फिर फोकस वर्क है, फोकस वर्क आपका, फिर कैटरक्ट, इसके अलावा कैटरक्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें? पानी पे हैंड पंप्स हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में डेली की बेसिस पे लगते हैं, डेली की बेसिस पे। वफ़ कुर्बानी है, ब्लैंकेट ड्राइव है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम है इंटरनेशनल, बहुत बड़ा काम होता है। इस वक्त पाकिस्तान में थैलेसीमिया के कितने पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब? सालाना अगर 5,000 पेशेंट के हिसाब से कैलकुलेट करें आप, जो सालाना निकलते हैं, तो आप देखें खुद ही बता सकते हैं कि कितने हो। और थैलेसीमिया आसानी के साथ ख़त्म किया जा सकता है ऐसा अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो, अगर हम कोई ऐसे लॉज भी अगर मौजूद हों। मेरा तो ज़ाती तौर पर ये ख्याल भी है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर बहुत काम कर रही है, कि शादी से पहले तो थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर CNIC जब बनता है 17 साल की उम्र में, उस वक्त अगर उस CNIC पे एक छोटा सा कॉलम लगा दिया जाए तो कि थैलेसीमिया माइनर है या मेजर, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा, कोई मसला। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर बड़ा एक्शन। अच्छा, और देखिए ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता चला किसी से मोहब्बत हो गई, आपको पता चला कि जी आप थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हैं, तो पता नहीं क्या होगा, आप एडमिनिस्टर्ड प्रेगनेंसी फिर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं, अब तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन ये लाजिम है कि आप ज़रूर थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 थैलेसीमिया के माइनर हैं तो 25% ये चांस होता है कि आपका जो बच्चा है, पैदा होने वाला बच्चा जो है, वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हर प्रेगनेंसी में, एवरी प्रेगनेंसी, लेकिन ये 25% चांस होता है, 75% चांस। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेट प्रेगनेंसीज होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, ईरान के अंदर ये लॉ है, और वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेट, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मोहब्बत ना करें, हर आदमी आपसे ये कह रहा है कि आप एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो आपका अगर तो 5 बैंक्स हैं जिनके अंदर लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको डोनेट कर सकते हैं, साथ साथ पेपैल है, वो लोग जो बाहर देखते हैं, बिकॉज बाहर शो बहुत देखा जाता है, तो वो किस तरह से जा सकते हैं, अपना एड्रेस बताइए। बहुत आसान है, HIWT की वेबसाइट पर जाएँ, www.hiwt.org, वहाँ सारी डिटेल मौजूद है, लोकल बैंक्स की, इंटरनेशनल बैंक की, तीनों मुल्कों में हमारे अपने सेपरेट बैंक अकाउंट्स हैं। पेपैल से कैसे कनेक्ट होना है, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे आप पेपैल की साइट पे चले जाएंगे। आप दुनिया की किसी भी करेंसी में पे कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी करेंसी हो, डॉलर हो, पाउंड हो, नो मैटर व्हाट इट इज, आप वहां पर जाइए और आप उसके अंदर जी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये 94 से काम कर रहे हैं, सो इट्स बिन इयर्स जब से इन्होंने काम करना शुरू किया है, ये पाकिस्तान की एग्जेम्प्टेड टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, आगे आप लोगों के इरादे क्या हैं, आगे आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? हमारी तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम थैलेसीमिया मेजर फ्री पाकिस्तान बनाएं। इसके लिए हम बहुत सीरियसली ड्राइव्स ले रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ शामिल हों। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी मैं ये कहूँगी, और बाकी गवर्नमेंट से भी यही अपील होती है कि हमारा साथ दें इसमें, और इसमें मैक्सिमम जो इकदाम हो सकते हैं वो हम लें, ताकि हम देखें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो थैलेसीमिया मेजर फ्री हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान हो सकता है। अच्छा, क्या वजूहत नज़र आती हैं आपको, क्या क्या वजह, क्या क्यों हम थैलेसीमिया फ्री नहीं हो सके? लोगों का ईगो बहुत है, ईगो इन दिस सेंस कि हम इतनी ड्राइव्स 2017 से लेके अब तक कर चुके हैं अवेयरनेस की, लेकिन बोलते हैं यार ये बेकार है, क्या ऐसे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह मालिक है। साहिर भाई, अगर एक घर में एक थैलेसीमिया का बच्चा आ जाए ना मेजर, उसकी दौलत दुनिया के सबसे बड़े इंसान से भी ज़्यादा हो, तो यकीन करें वो सुकून नहीं मिलता जो, ऑफकोर्स यकीन करें, जब रोज़ उसके सुई लगती है ना, हर 15 दिन के बाद वो तड़प रहा होता है। तो मैंने जवान बच्चियों के सर में जो है ना सफ़ेद बाल देखे हैं, सिर्फ इसी टेंशन से कि अब ये लाइफ टाइम प्रोसीजर हो गया कि इसको जो है ना ब्लड लगना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। हम वही आप वाली बात, हम ना मोहब्बत से कह रहे हैं, बल्कि मैं एक कदम और आगे,
आपने भाग के शादी करनी है, भाग के भी शादी करना है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले कंफर्म होते ही उसका टेस्ट जरूर करवाएं। CVS का टेस्ट होता है, वो लाजमी करवाएं। आपको ये पता है ना, ये मजाहन कहा है ना, अजराए मजाक क्या, कोई भाग के शादी नहीं कर रहे, और ना कीजिएगा नहीं आसिफ भाई फंस जाएंगे हम। तो बताना, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी, खुदा का वास्ता सिर्फ मजाक की है, कोई आइडिया नहीं दिया है आपको। बट एनी वे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ, HIWT की साइट पे जाएं और वहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे अमेरिका में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, इंग्लैंड में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, तो आप HIWT की साइट पे जा सकते हैं, पेपैल के जरिए दे सकते हैं। बाकी तमाम करेंसीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो 5 ब्रांचेज़ हैं इनकी, आप उनको भेज सकते हैं, चेक भेज सकते हैं, कैश भेज सकते हैं, राइडर बुलवा सकते हैं आप। लेकिन हेल्प करें प्लीज़, लेट्स मेक श्योर दैट वी मेक पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री। एक ब्रेक जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर या नूर। जी वंस अगेन वेलकम बैक, टाइम है ऑर्गेनिक केयर का, सो लेट्स टॉक टू फिजा। फिजा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, टाइम बिल्कुल नहीं होगा, शुरू हो जाएगा। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमजान मुबारक, ऑर्गेनिक केयर की फैमिली को भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। मेरी पहली प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ऑर्गेनिक केयर की नाइट क्रीम, जिसको हम तमाम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केयर की मैजिक क्रीम। ऑर्गेनिक केयर की ये मैजिक क्रीम इसलिए मैं इसको कहती हूँ क्योंकि वाकई आपके फेस के ऊपर मैजिक की तरह काम करती है। रमज़ान है, रमज़ान में हम तमाम लोगों का रूटीन जो है वो आउट हो जाता है, हम तमाम लोगों को जो है वो नींद पूरी नहीं हो रही होती, और नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे जो है वो डार्क सर्कल्स भी हो रहे होते हैं, और हमारी स्किन जो है वो डल हो रही होती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है हमारी स्किन पर से। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं ये पूरे होल रमज़ान, अगर आप ऑर्गेनिक केयर की नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, अपना ये रूटीन बनाते हैं, पूरे मंथ आप इसको रात में लगा कर ये फेस के ऊपर अप्लाई कर कर सोते हैं, और उससे आपके न सिर्फ डार्क सर्कल्स आपके ख़त्म होंगे, उसके साथ साथ आपकी स्किन ब्राइटन हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी स्किन अगर डल हो रही है उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केयर की नाइट क्रीम आपने यूज़ करनी है होल मंथ, और अगर उसके साथ साथ आप लोग यूज़ करते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में जो है वो हम तमाम लोगों की स्किन पे जो है वो बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग हो रही होती है, हमारी स्किन पे एक्सेस ऑयल आ रहा होता है, और हमारी स्किन पर जो है वो सन डैमेज भी हो रहा होता है। तो दिस इट इज़ एक्सेलेंट फॉर सन डैमेज। ये सन डैमेज के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये ग्रीन एप्पल फेस वॉश है ऑर्गेनिक केयर का, और ग्रीन एप्पल जो होता है वो लोडेड होता है एंटी ऑक्सीडेंट से। तो ये पूरा का पूरा एक एंटी एजिंग प्रोसेस होता है, ये आपकी जो एजिंग की जो प्रोसेस होता है उससे फाइट करता है, और आपको न सिर्फ एजिंग के प्रोसेस से फाइट करता है बल्कि आपको जो एक्सेस ऑयल, जो आपकी डर्ट होता है, इसको डीप क्लेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें रूटीन में रखते पूरा मंथ, अगर आप इसको दोनों चीज़ों को अप्लाई। मेरा एक सवाल था आपसे कि जैसे आपने बताया कि ये हाइड्रेट भी करती है नाइट क्रीम, ओके ओके, मैं तो फिजा को देखूंगी ना, नहीं देखूंगी। अच्छा चलें, मेरा फिजा से ये सवाल था कि जिस तरह से नाइट क्रीम रमज़ानों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑलरेडी एवरीबडी इज़ फास्टिंग, और कितनी ज़्यादा स्किन पे आपको नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल ड्राइड आउट हो जाती है, तो ये क्रीम क्या उसमें भी हेल्प करेगी स्किन को? बिल्कुल, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखती है, और ये फेस वॉश आपका जो pH बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर। तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर ये आप पूरा मंथ यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन के लिए। उसके साथ साथ आपकी स्किन फ्लॉलेस तो हो ही जाती है ये दोनों चीजें यूज करने से। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर आपको रमजानों में किसी किस्म का कोई हैवी मेकअप लुक नहीं देना, स्किन ऑलरेडी आपकी अच्छी फ्लॉलेस हो गई है, और आप ऑर्गेनिक केयर का जो है वो लिप और चीक स्टेन यूज करते हैं, पॉश पिंक टिंट के नाम से है ये, तो आपको किसी किस्म के मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। अफ्तार पार्टियों में हमें जाना होता है, और बहुत सारे जो है हमें इवेंट्स हमारे होते हैं रमज़ानों में, हमें अटेंड करने होते हैं, हैवी मेकअप लुक बुरा लग रहा होता है, नो मेकअप लुक पे तमाम लोग जाते हैं, तो ये अगर आपके पास टिंट है, ये पॉश पिंक टिंट है ऑर्गेनिक केयर का, तो बिलीव मी किसी किस्म का मेकअप रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको अपने पास। जब आप ये यूज़ करते हैं ना तो इट इज़ वेरी क्विक, एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, और यही अगर रोजे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती, बिल्कुल इसको अपने बैग में रखा करो। आई एम गोइंग टू बाय इट।
तो स्किन केयर तो हमारी हो गई है, लेकिन रमज़ानों में वज़न भी तो हम लोगों का बढ़ जाता है, फ्राइड आइटम्स हम लोग खा रहे होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केयर का फैट्स मेजर आपके पास है, ऑर्गेनिक केयर का जो है ये पूरा वन मंथ का चैलेंज है, ये मैं आज आपको दे रही हूँ। आप तमाम लोग जो ऑर्गेनिक केयर का चैलेंज लेना चाहते हैं, ये फैट्स मेजर को अभी लें। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी फ़ोन उठाएं, अभी कॉल करें, ऑर्गेनिक केयर का फैट्स मेजर यूज़ करें। बिलीव मी, ना सिर्फ पूरे मंथ में आप वेइंग स्केल के ऊपर कम होंगे, बल्कि साथ साथ आपके इंचेस भी कम होंगे, और आपको वो ड्रेसेस जिसमें आप दोबारा से वापस पहनना चाहते हैं और वापस फिट आना चाहते हैं, वो तमाम ड्रेसेस आपको आना शुरू हो जाएंगे अगर आप ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केयर का फैट्स मेजर पूरे होल मंथ रमज़ान में। न सिर्फ ये आपका वेइंग स्केल पे वज़न कम करता है, इंचेस के साथ साथ आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। हमारा रूटीन जो डिस्टर्ब होता है उसमें भी हमें एसिडिटी जो हमारी हो जाती है उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी ख़त्म करता है और एनर्जी देता है। अच्छा फिज़ा, एज यू नो कि आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट रमज़ान में, तो इट्स रियली अमेजिंग, आई एम टेलिंग एवरीवन। मैं कहती हूँ कि ये आप क्रीम को कहती हैं मैजिकल, मैं इसको कहती हूँ फैट्स मेजर को, दिस इज़ मैजिकल। आपको कोई हैवीनेस नहीं हो रही है, आपका जो भी आप, यस एवरीथिंग। और पता है, आई टोल्ड यू अर्लियर एज़ वेल, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, अभी ऑर्डर करें ऑर्गेनिक केयर का फैट्स मेजर और ले वन मंथ का चैलेंज। एंड बिलीव मी, वेइंग स्केल पे नहीं, इंचेस में भी तमाम ड्रेसेस लूज हो जाएंगे एक महीने के अंदर अंदर। आप लोगों को ये ऑर्गेनिक केयर का फैट्स मेजर अभी ऑर्डर करें। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, जो मेरी फेवरेट है वो आप तमाम लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। दिस इज द प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केयर का फेशियल किट, ऑर्गेनिक केयर का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल किट। ये मेरी फेवरेट इसलिए है, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, इसके रिजल्ट्स तो अमेजिंग है। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं, ये जस्ट 2500 रुपीस। अच्छा फिजा, आपकी तो थी ये प्रोडक्ट फेवरेट, बट इट हैज़ बिकम माय फेवरेट प्रोडक्ट एज वेल। रिसेंटली आई यूज्ड इट, आई हैड टू गो समवेयर, मैंने इसको ये यूज़ किया। यकीन कीजिए, इतनी सी क्वांटिटी यूज़ हुई है, और इसकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं सारी, जिसमें 6 आइटम्स हैं, इट्स अमेजिंग, और इतना सूदिंग था। अच्छा, फ्रेग्रेंसेस बड़ी मैटर करती हैं, बिकॉज़ दैट हेल्प्स यू रिलैक्स। और पता है, इतनी सी क्वांटिटी वाज मोर देन इनफ। ये मुझे लग रहा है यूज़ ही वर्कआउट होता है ये, no अगर doubt. आप अपना जो है वो फेशियल कर दें तो मिनी फेस वर्कआउट होता है आपका, no फेशियल जो आपको रिलैक्स भी करता है अगर आपकी इसकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी होती है। 2500 रुपीस का है ये, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और गिफ्ट देने के लिए बेस्ट है। परेशान मत हो रमजान में, ईद पे हम क्या गिफ्ट दें, अगर आप ऑर्गेनिक केयर का जो फेशियल किट अगर किसी को भी गिफ्ट देते हैं वो बहुत खुश होने वाला है और आपको बहुत सारी दुआएं भी देगा। अगर आप लोगों को अभी ऑर्डर करना है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी ऑर्डर करें ऑर्गेनिक केयर का फेशियल किट। ये स्टॉक हमारे पास क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये अभी ऑर्डर करें और जल्द से जल्द ऑर्डर करें, क्योंकि फेशियल किट हमारे बहुत ज़्यादा ऑर्डर है इसके, और आपको भी अब ऑर्डर करना है तो जल्द से जल्द इसको। अच्छा फिजा, मेरे लिए जो है ना 4 किट्स बुक कर लीजिएगा मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया इसका रिजल्ट देखा, तो आई एम गोइंग टू गिव दिस एज अ गिफ्ट टू माई फैमिली, मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली को मुझे देना है। ये तमाम, अच्छा, तमाम लोग भी इसको गिफ्ट दे सकते हैं अपनी फैमिली को। आप एक मेरे लिए बुक कीजिएगा, मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगी। नहीं नहीं, ये मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी, ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, मैं आपको गिफ्ट दे सकती हूँ ये फेशियल किट। पैसे लें इन लोगों से, दूसरी बात ये है कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फेशियल किट, सबसे बड़ी बात ये कि लॉकडाउन का ख़तरा है और काफ़ी जगह लॉकडाउन होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सामने हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उसे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। मैं आज सुबह एक शो देख रहा था जिसमें हसन निसार साहब मौजूद थे, और हसन निसार साहब का एक तबसरा था जो उन्होंने किया था। मैं शो का हवाला दे देता हूँ, डॉक्टर फिज़ा का वो शो था, और इन दिनों मेरी कुछ आदत सी हो गई है कि मैं उनका शो ज़रूर देखता हूँ, और उसका रीज़न ये, बात अच्छी होती है और सीधी बात होती है तो मुझे पसंद आती है वो बात, और हसन निसार साहब हमेशा से मेरे फेवरेट रहे। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि हमारे यहाँ करप्शन भी महंगी हो गई है, सच में बता रहा हूँ। और बार कैफ आज का जो उन्मान है, और वो लोग जो समझ सकते हैं उनको मेरा ये जुमला समझ आ जाएगा जो मैं अब कहने लगा हूँ, आज की तकरीर का उन्मान है, आप मेरे आइडियल हैं।
और आज के दौर में करप्शन भी महंगी हो गई है। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक बात पहुँचानी है मुझे वहाँ तक पहुँच गई होगी, तो इसलिए पहुँच गई होगी। अच्छा जी फैसल, कैसे हैं आप? तो क्या इरादे हैं आज? इरादे पक्के पक्के क्या लगता है टॉपिक तो आज का बहुत अच्छा है, अब देखते हैं बच्चों ने तैयारी कैसी कर रखी है। ऑलराइट, आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा? अल्लाह करेगा कुछ। ऑलराइट रिदा, उम्मीद है मुझे कि आज थोड़ा बेहतर होगा कंपैरेटिवली। कल मैं उस बच्चे की तकरीर से बहुत खुश हुई थी, इट मेड माय डे, तो आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। ओके, और तहरीम हमारे पास है, दो मिनट के बाद आएंगी। रिनम आप कैसी हैं? ठीक है, सबसे पहले तो शादी मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दावत नहीं की अभी तक साहिर। नहीं, शादी जिनकी होती है वो दावत करते हैं। अच्छा, ये कब हुआ साहिल, ये कब हुआ? क्या मतलब ये कब? मेरी दावत आप करेंगे ना? नहीं, मैं तो किसी की भी दावत नहीं करता, मैं तो सिर्फ दावतों में जाता हूँ। अच्छा, ये तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया, कोई बात नहीं। मैं तो पार्टी, आप नहीं जी, नहीं मैम, आप जब भी बुलाएंगे हम फ्री के लिए जरूर आएंगे, जरूर खाने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से कोई ऐसे नहीं जो फ्री के खाने के लिए रुकेगा, विल ऑलवेज बी देयर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर, आपने भी तकरीर की है? नहीं की। आपने की है रनम? I have always been a debater since my college life and then university. तो अभी husband से debate होती है कोई? Husband से debate होती है और वो यही कहते हैं तुम मुखर्रर से शादी नहीं करनी चाहिए इंसान। हैं? ये कहते हैं? क्योंकि मैं बड़ा constructive argument देती हूँ ना, उनको लाजवाब हो जाते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई भी argue नहीं कर रहा इस बात से, constructive ही होता है। दिखा दीजिएगा जरा अगर तहरीम आ गई है तो। तहरीम अभी तक नहीं आई है। चलिए जी, हम पहले अपनी मुकर्रा को बुलाते हैं। सुंबुल जैदी तशरीफ लाइए, तालियां तो बजा दें सुंबल जैदी के लिए। जी सुंबल, क्या नाम है आप? अब इन कहाँ से ताल्लुक है आपका? जामिया कराची। जामिया कराची से, क्या कर रही हैं आप जामिया कराची में? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। किस चीज़ में? एजुकेशन में। एजुकेशन के अंदर आप मेरे आइडियल हैं, ये टॉपिक है। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे, पहली बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगी, उसके बाद 20 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, सो 1 2 3 बिस्मिल्लाह की। जनाबे वाला, मैं कल शब एक साहब को मैसेज करती हूँ, आप मेरे आइडियल हैं, कुछ जुमले बता दें। अली वकार वो खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। मैं परेशान हो गई, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पता चला कि वो तो ये सोच रहे हैं कि मैंने उनकी तारीफ़ कर दी कि वो मेरे आइडियल हैं। जनाबे वाला, तारीफ़ से याद आया कि एक दफ़ा मैं अपने अब्बू के साथ बस का सफ़र कर रही थी, बराबर वाली सीट पर एक खरबूजे वाले अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल को देखा, अंकल ने मुझे देखा। मैं कभी अंकल को देखती, कभी खरबूजे के थैले को देखती। आली वकार, फिर मुझे अंकल कहते हैं कि बहुत ही प्यारी बच्ची है। आली वकार, फिर मैंने अंकल को देखा, खरबूजे की थैले को देखा। आली वकार, अंकल ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, बेटा खरबूजे खाने हैं? मैंने कहा, जी अंकल, आप तो मेरे आइडियल हैं। जी हाँ अली वकार, आइडियल कौन होता है? आइडियल वो होता है कि जो कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर कर चले जाए, जो कुछ फ़ायदा पहुंचा कर चले जाए, या उसकी चीज़ों से कौम और मिल्लत की पहचान हो। लेकिन आइडियल का इश्क इतना सरों पर सवार रहा कि अली वकार के लोग तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप तो काश मेरे अब्बू होते। जी हाँ अली वकार, वही अब्बू के जब टीवी पर, वही अब्बू जब टीवी पर आकर नागन वाला डांस करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि गुर्दों से सेहतियाब होते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि जी हाँ अली वकार, मैं भी उन अब्बू की आइडियल बन चुकी हूँ। जी हाँ अली वकार, कहा तो जाता है कि मुसलमान बहुत नादान होते हैं, आज के दौर में मुसलमानों ने उन लोगों को अपना आइडियल बनाया हुआ है कि जिनको जूते मारने चाहिए थे। जी हाँ अली वकार, और अगर बात की जाए इंसान की, तो बंदा आइडियल अपने जैसे बंदे को ही बनाता है, जैसे कवारा इंसान मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, जैसे शरीफ इंसान मौलाना तारिक जमील साहब को, और जैसे खूबसूरत इंसान साहिल भाई को, और जैसे मासूम शरीफ और नादान इंसान सरबत आपा को। बेहद शुक्रिया। एक यहाँ सुमल, एक चीज़ से मुझे अख्तिलाफ है आपकी, बाकी आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में कोई भी अगर ऐसा अमल हुआ है
जो कहीं और हुआ है तो उसका डायरेक्ट रेफरेंस गलत है, बहुत गलत है, और मुझे इससे दिली तकलीफ हुई। मैंने ना तो किसी बात पे तबसरा किया है और ना मैंने ये कहा है, और आई होप एंड प्रे कि हम में बेटर सेंसेस प्रिवेल कर सकें, लेकिन तकरीरी मुकाबलों के लिए रेफरेंसेस नहीं होते। आप जो जैसा समझना चाहें, मैं तो अगर बहुत ज़्यादा कहूँगा तो फिर हो जाता है। देखिए जी, बात हम मॉरल पुलिसिंग बड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग करते हैं, और मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता, और मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, ये रेफरेंसेस ना दें, ये तकलीफ दे बात, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बहरहाल एनीवे लेट्स गो बैक टू डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर साहबा बताइए। खरबूजे वाली कहानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जब आपने तकरीर शुरू की थी आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मुझे लगा कि आप जिस तरह उसको लेके स्टार्ट करी हैं शायद बहुत आगे अच्छा होगा, लेकिन खरबूजे वाली कहानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर इतनी टारगेटिंग, हर शख्स को आपने टारगेट किया है, हर शख्स को जो आपको सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग नज़र आया आपने उसको टारगेट किया है। इस तरह किसी को टारगेट नहीं करते बेटा। बाकी देखिए बेटा, शुरू में मेरी तकरीर समझ में नहीं आई आपकी, और ये कि वो जो खरबूजे वाली स्टोरी थी ना, तो कोई ऐसी चीज़ होती ना कि जो आप लेके खा भी सकते हैं तो वो समझ में आते हैं। खरबूजे के लिए तो बड़े लवाजमात चाहिए होते हैं, उसको काटना पड़ता है, प्लेट में रखना पड़ता है, फोर्क से खाना पड़ता है, तो वो तो बस में वैसे भी मुमकिन नहीं था। दूसरी बात ये कि जो नाम इतने सारे ले लिए ना, हमारे यहाँ एक ये पॉलिसी है कि इतने सारे नाम हम नहीं लेते, किसी के भी नहीं लेते, ना हम किसी की बुराई करते, ना अच्छाई करते, ना गीबत करते, ना कुछ करते। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, मुझे अफसोस हो रहा है ये सुन के आपकी तकरीर की, 11 दफ़ा आपने आली वकार बोला, और कराची यूनिवर्सिटी से हैं आप। कराची यूनिवर्सिटी का एक अंदाज हुआ करता था, वहाँ के मुकर्रर होते थे। अफसोस हुआ मुझे। वेल एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। गवर्नमेंट मलीर कॉलेज कराची से इनका ताल्लुक है, और रिदा तारिक साहिबा प्लीज तशरीफ लाइए। रिदा तारिक के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी का मतलब होता है बहुत सारी, बजाइए जरा जोर से। थैंक यू वेरी मच। रिदा कैसी हैं आप, क्या करती हैं आप, माइक खोलिए। हाँ जी, मैं इंटर में हूँ अभी, और मैं आगे क्या इरादे हैं? आगे इंशाल्लाह एफएस में अप्लाई करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप सही जगह हैं। या एनीवे सो लेडीज एंड, 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे, पहली बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे है, उसके बाद 20 सेकंड होंगे ख़त्म करने के लिए, ठीक है? तैयार, बिस्मिल्लाह। आज का मेरा मौजू है आप मेरे आइडियल हैं। जनाबी वाला, जैसे ही मैंने अपना मौजू सुना तो मेरे ख्याल में फ़ौरन से आ गया कि मैं नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, लेकिन दिमाग से थोड़ी खाली सी, ये सोचने लगी कि ना जाने कैसे होंगे मेरे आइडियल शौहर, ना जाने कैसे होंगे मेरे ख्वाबों के शहजादे, नैन चमकीले, गाल गुलाबी, हो एक बंगला और एक गाड़ी, ला कर रखे अपनी कमाई मेरे हाथ में सारी, और रोज़ कहे बेगम तुम हो सबसे प्यारी। बस ऐसा ही आइडियल शौहर चाहिए जिसे मैं रोज़ कह सकूं कि आप मेरे आइडियल हैं आइडियल। मैं ये सोच ही रही थी कि एकदम से मैं जगमगा उठी, मैं मुस्कुराने लगी कि मेरे साथ बैठी मेरी बहन मुझे देखकर बोली कि बेटा अगर मुस्कुराना बंद हो गया हो तो जाकर बर्तन धो लो। बस उसका ये कहना था कि मेरे ख्वाब गए टूट, मेरा दिल गया रूठ, के ऐसा ख्वाबों का शहजादा चाहिए, जाइए जाइए अपना मुँह धोकर आइए। सदी अली वकार, पहले के ज़माने में तो लोग मिसाली शख्सियात को ही अपना आइडियल समझते थे, जैसे मरियम मुख्तार पाकिस्तान की पहली शहीद फीमेल पायलट, जैसे कायदे आज़म पाकिस्तान की बानी, जैसे लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, अब्दुल सत्तार ईदी, शाहिद अफरीदी। लेकिन आजकल के नौजवानों ने तो सोशल मीडिया स्टार्स को ही अपना आइडियल मान लिया है, जो रोज़ नई तस्वीर पोस्ट करके लोगों को मुतासिर करते हैं। कुछ तो 4 सेकंड की वीडियो हैशटैग पार्टी हो रही वाली वीडियो में ही लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में शोहरत हासिल कर लेते हैं। कुछ टिकटॉक में 10 मिनट की डांस वीडियो डालकर लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि लड़के जनाना हरकत करके ये समझते हैं कि लोग इनसे मुतासिर होंगे और इन्हें अपना आइडियल मान लेंगे। अब मैं ये इनकी खुशफहमी समझूं या गलत फहमी? सत्य अली वकार, आजकल की लड़कियां इस हद तक मुतासिर हो चुकी हैं सोशल मीडिया स्टार से
कि सोचती हैं कि मैं भी एक दिन फलां की तरह फैशन ब्लॉगर बनूंगी। सबकी तरह मेरा भी यकीनन कोई ना कोई आइडियल तो ज़रूर है जो मेरे वालदैन हैं, क्योंकि उनसे बेहतर सिखाने वाला तो और कोई भी नहीं। जाते जाते अपने आवाम को पैगाम देना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को ही अपना आइडियल मानिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपको और कोई नहीं सिखा सकता। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज वंडरफुल। हाँ जी जी रिदा, क्विकली पॉइंट्स आपके अच्छे थे, लेकिन अच्छा जी एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। जी जी डॉक्टर साहबा, वेरी क्विकली पॉइंट्स को आपके अच्छे थे थोड़े बहुत, लेकिन अंदाजे बयां पे भी बहुत मेहनत की जरूरत है। एनर्जेटिक नहीं थी आपको, आज रोज़ा लग रहा था, मुझे एनर्जी चाहिए थी। डाइजेस्टों वाला आइडियल कहीं भी नहीं मिलता है, और इसके अलावा वालदैन वाली बात अच्छी थी, वाकई वालदैन बहुत अच्छे आइडियल होते हैं सर। सही बात है, आइडियल तो वालदैन ही होते हैं और भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं। जो आपने मिसालें दी थी अलामा इकबाल की, कायद आज़म, अच्छी बात थी, सही लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी थी यार, पर मेरा मतलब मैं काउंट नहीं होता, पर मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, वंडरफुल। आई एग्री। ऑलराइट जी, नुमान अली साहब इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, रहते ही अबू धाबी में, खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी में ज़ेरे तालीम है। तशरीफ़ लाइए सर, माइक आपके पास है, आप मेरे आइडियल हैं, और शुरू कीजिए। माइक ऑन कर लें। हाँ जी शुरू कीजिए। सदर अली वकार, मैं जैसे ही दुबई गया तो मुझे पता चला कि बिटकॉइन भी कोई चीज़ होती है। सदर अली वकार, मुझे मर्दों की औरत की कॉल आई कि जितने भी बिटकॉइन ख़रीद सकते हो ख़रीद लो। सदर अली वकार, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने बिटकॉइन ख़रीद लिए। वो तो सदर अली वकार, मुझे पाकिस्तान आके पता चला कि ये वो बंदे हैं जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, तुमने ने अपना आइडियल क्यों कह दिया। सदर अली वकार, मैं किसी भी लड़की को अपना आइडियल नहीं बना सकता, और अगर गलती से कभी किसी को बना भी लूँ तो सदर अली वकार फिर मेरे घर की अदालत में मुझे सीधा सजाए फांसी दी जाती है, क्योंकि सदर अली वकार वहाँ जज का तो कोई नहीं पता, वकील मेरी बीवी होती है। सदर अली वकार, हम लाहौर के रिहायशी हैं, और आपको तो पता है कि लाहौर में हम मटन के साथ और भी बहुत कुछ खा लेते हैं, तो इसी वजह से सदर अली वकार, मैं लाहौर से जा रहा था तो मुझे अबू मिल गए। मैं उन्होंने कहा बाबा जानी आप मेरे बहुत आइडियल हैं। कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा बाबा जानी जो आपने मुझे कल से खिला रहे हैं वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। सदर अली वकार, मैं ये भी बता दूँ कि कल मैं इस्लामाबाद से जैसे ही चला तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि कराची में इंसान माला माल जाता है मगर आता खाली हाथ है, लेकिन मैंने उनकी कोई बात भी नहीं मानी। लेकिन जैसे मैं हैदराबाद पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी जेब का वज़न कम हो गया है, और जैसे मैं कराची पर पहुंचा तो सदर अली वकार मैं 82 किलो से सिर्फ 70 किलो रह गया, और मुझे पता चला कि मेरी जेब की हर चीज़ गायब हो गई। तो फिर मुझे धरती कराची कहने लगी, आप तो हमारे आइडियल हैं। सदर अली वकार, बात इस यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मैं कल इस्लामाबाद में एक तकरीर सुन रहा था। सदर अली वकार, उस बंदे ने 4 बार रुका, 12 तलफ़ की गलतियाँ की, मगर फिर भी मुनसफीन कह रहे थे आप तो शुरू से ही हमारे आइडियल हैं। बहुत शुक्रिया। आप इधर रहिए, इतनी जल्दी ख़त्म कर दी, 2 मिनट 30 सेकंड थे। मैं तो डॉक्टर साहबा आपसे शुरू करते हैं, मुझे आप लोग बयान दीजिए। मेरा ताल्लुक खुद पंजाब से है, लेकिन कराची इतना बुरा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लड़कियाँ क्यों आइडियल नहीं हो सकती, आपको लगता है लड़कियाँ आइडियल नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हो सकती। लड़कियाँ आइडियल हो सकती? वो मजाक के तौर पे कह रहे हैं, मजाक के तौर पे। चलो सही जी। आप अच्छा, मुझे आपकी तकरीर में ना तकरीर के एलिमेंट्स नहीं नज़र आए, लग रहा था कि चंद वाक़ियात को जोड़कर आपने कोई स्टोरी सी बना दी है। अच्छा, और बात वही कराची वाली है, कराची तो हर भूखे का ख्वाब है, हर बेरोज़गार का ख्वाब है, कराची के ऊपर ज़रा हाथ हल्का रखा करें जी। अच्छा, एक तो आपने 10 बार तो सदर अली वकार का, ठीक है। दूसरी बात ये कि कराची ने तो लोगों को बना दिया, ये वो शहर है जहाँ से लोग आके बन जाते हैं, ये कोई भी शहर, हमारा सब शहर अच्छे हैं, ठीक है ना, सारे मोहतरम है हमारे लिए, बिकॉज वी ऑल आर पाकिस्तानी। एक तो ये चीज़। दूसरी बात, मुझे ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कल आपके अब्बू भी आपको मिल गए, फिर आप इस्लामाबाद भी चले गए, फिर आप यहाँ आने के बाद फिर इस्लामाबाद चले गए। रब नहीं समझ आता, इतनी जल्दी जल्दी फ्लाइट्स आप ले रहे थे। ऑलराइट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ, आइए पास होंगी अगर वो हैं तो पहले हम वो कर लें, फिर उसके बाद नतीजा जो है वो उनको बुलवा लीजिएगा मेरे पास। आइए जी, आ जाइए आ जाइए, एक कलाम हो जाए और फिर कलाम, आ जाइए तशरीफ़ लाइए, और फिर कलाम के बाद हम रिज़ल्ट की तरफ चलेंगे।
ज़रा सा आपको जल्दी आना पड़ेगा, सॉरी वक्त की कमी, शदीद कमी। हाँ जी। ज़मीं से आसमां तक नूर फैला है मोहम्मद का, निगाहें जिस तरफ उठती है जलवा है मोहम्मद का, निगाहें जिस तरफ उठती है जलवा है मोहम्मद का, जमीन से Alright, जी, अस्सलाम वालेकुम, once again, welcome back। और ये वो वक्त होता है कि जब पीछे से एक धमक सी आती है और अभी आएगी वो देखिएगा, इसको तेज करना। और कौन वापस जाएगा? अच्छा जी, 10 सेकंड है आपके पास, ईच वन ऑफ यू जजेस से कुछ कहना चाहते हैं। यही कि तकरीर की है और इससे आज कुछ यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिड आवर बेस्ट, हम अपने आप को प्रूव कर सकें। ऑलराइट जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जजेस का फैसला जो होगा वो हम सबके हक पर बेहतर होगा। ऑलराइट, आप? थैंक यू सो मच, पहले तो मेरी गलतियां बताने के लिए एंड सेकेंडली के नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इन गलती को सुधार के आएंगे। ऑलराइट जी, तीनों जजेस के मुताबिक कुछ आप कहना चाहती हैं? आपने तकरीर सुनी, आपको तकरीरें करती रही हैं, कैसा लगा? मुझे साहिर ऐसा लगा कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर इनक्रेडिबल, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मसला था लेकिन कुछ इस तरह, अच्छा ये दिस इज़ लाइक माय आई, यू ऑल आर ऑनरेबल जजेस फॉर मी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ह्यूमरस में थोड़ा सा तो यू नो इट डजेंट मेक सेंस, इट जस्ट हैज़ टू बी वेरी ह्यूमरस, यू नो लाइक समटाइम्स जो छोटी छोटी मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट एज अ पार्टिसिपेंट माई सेल्फ कि नहीं, क्या मैं समझा नहीं, इट डजेंट मेक सेंस, व्हाट डजेंट मेक सेंस? मतलब फैसल भाई ने अभी जिस तरह से कहा कि आपने एक दिन में इतनी सारी फ्लाइट्स कैसे पकड़ ली, आई डोंट नो इफ दैट वाज सीरियस और व्हाट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ह्यूमरस में थोड़ी कनेक्टिविटी ना भी हो तो आई थिंक कि मुझे मेरा दैट्स लाइक माय पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा इन लोगों का, तीनों का अच्छा था और आई लाइक दैट गर्ल, सबके कुछ कुछ पॉइंट्स थे अच्छे, सबके पॉइंट्स मुझे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जजेस में नहीं हैं, नहीं तो हम किसी को निकाल ही नहीं पाते। मतलब तकरीर में रब्त का होना बहुत ज़रूरी होता है और फैसल ने जिस बात की तरफ निशानदेही की थी वो रब्त था। अगर आप, मैं तो एक जुमला सुनते सुनते थक गया हूँ जी, मैं संजीदा मुकर्रर हूँ। दुनिया के बड़े 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 मुसन्निफीन जो मजाक के लिखने वाले हैं उन्होंने इंतहाई संजीदा बात इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में कही है। या आप मुकर्रर हैं और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इस जुमले से ज़्यादा स्ट्रेंज जुमला कोई नहीं लगता कि हम तो संजीदा मुकर्रर हैं। भाई आप मुकर्रर हैं, संजीदा या गैर संजीदा नहीं होता कुछ भी, लेकिन बाहर चूंकि मैं जज नहीं हूँ इसलिए मेरे अख्तियार भी नहीं है। तो जी अच्छा, या तो मैं आली वकार हूँ या सदर जी वकार हूँ, दो में से। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूँ, आली वकार मैं ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को जो आली वकार है, कहीं मिल गया ना मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आली वकार की पुकार होती है। अच्छा जी, मिल जाए मुझे एक दिन वो आली वकार। अच्छा, अगर हम खुदा ना करें ये तकरीर वैसे, क्योंकि हम भी ज़ाहिर है मैं करता रहा हूँ, और आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों को यूट्यूब अवेलेबल है जहाँ से आप नकल करके और याद कर लेते हैं, लेकिन हमें, मैं और फजैल तकरीर किया करते थे। अच्छा जी, मैं नतीजा बताऊँ, छोड़ें जी। अच्छा जी, आज के दो नाम जो आगे जा रहे हैं और एक नाम पीछे रह रहा है, आज का पहला नाम जो आगे जाने वाला है, रिदा तारिक साहिबा, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ऑलराइट, आज का दूसरा नाम जो आगे जाने वाला है, सुम्बुजारी साहिबा, आगे आ जाइए। नुमान, आपका सफर यहाँ ख़त्म होता है, वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर।
Alright, जी, once again, welcome back. और अब सेगमेंट है अमोर का, जरा पीछे लगा दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. इसको जरा बंद कर दें. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अमोर लाया आपके लिए एक्साइटिंग खबर, और ये सिर्फ और सिर्फ है टीवी वन के लिए कि हम आपको देने जा रहे हैं 27 रमजान मुबारक को एक अदद 12 प्रो. हाँ, ये तो हटा दीजिए, बाद में करेंगे. या देयर यू गो, 3500 की. ये भी बाद में. अच्छा, चले मोटर बाइक आपने लगा दिए ना, चले मैं आपको दे देता हूँ. आज और कल में जितने लोग ऑर्डर करेंगे उनको हम बाइक के ड्रॉ में रख लेते हैं, और इस ड्रॉ का नाम हम निकालेंगे ट्यूसडे को. ये भी टीवी वन की तरफ से है. बाइक का ड्रॉ हम कर देते हैं जो आज और कल ऑर्डर करेंगे. और आपको ऑर्डर करना है, चाहे आप कितने का भी ऑर्डर करें, कितने का भी, मैं ये हटा रहा हूँ 3500 के, मैं वो हटा रहा हूँ. आप कितने का भी ऑर्डर करें, मैं आपका नाम ड्रॉ में डाल दूंगा. आज और कल के दरमियान जो लोग भी ऑर्डर करेंगे टीवी वन की तरफ से, अमोर की तरफ से, उनको हम ये बाइक देने जा रहे हैं इस स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन में. लेकिन अगर आप 3500 का ऑर्डर करते हैं तो आपको हम देने जा रहे हैं 12 प्रो आईफोन. है ये गोल्ड कलर का आईफोन है, 2,72,000 रुपये इसकी कीमत है. 27 रमजान मुबारक को हम आपको दे देंगे, तो ले लीजिए. ऑर्डर कैसे करना है? ऑर्डर ऐसे करना है रेनम के सामने बिल्कुल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आप कॉल करें. आपका अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका हेयर लॉस खत्म हो सकता है, अगर आपका वेट लूज आपको करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है. आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आपका वेट लॉस बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है. फैट लॉस होगा, आपके यहाँ से इंचेस जो हैं वो चले जाएंगे. साथ साथ अगर आपकी स्किन को ग्लो चाहिए तो सारी प्रोडक्ट्स हैं. प्लस अगर आपको खुशबुएँ चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती हैं. कॉल आपको अभी करनी है, सामने नंबर है अगर आप ये जीतना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर लॉस की, बिकॉज हेयर लॉस वो बड़े तरीकों की वजह से होता है. आपने कहा कि अभी आपको बाल लंबे करने हैं, जिनको अपने बाल लंबे करने हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये वाला शैम्पू है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स लाइक मैजिक. मैजिक की तरह से ये काम करता है. पहली मरतबा लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, लिटरली बंद हो जाते हैं. लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका माइल्ड हेयर लॉस है, जिनका माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा हेयर लॉस है, मीडियम हेयर लॉस है, उनको एक काम करना पड़ेगा. उनको इसके साथ साथ ये सिल्क ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा हफ्ते में 3 दिन. लिटरली बता रहा हूँ, आपके बालों का इलाज है ये. 3 दिन आपको ये सिल्क ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स है ये वाला, आपका ये वाकई बहुत इफेक्टिव है. थैंक यू जी, थैंक यू. ये ड्रॉपर के साथ है, और इसके अंदर आप ये ड्रॉपर के जरिए ऐसे आप कर लें बालों की स्कैल्प के अंदर, ऐसे आप यूं करें, 40 मिनट तक रखें. इसके बाद इसको रिंस कर लें, और रिंस करने के बाद आप शैम्पू से इसको धो लीजिए, इस शैम्पू के साथ धो लीजिए. ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है. फिर कुछ लोगों ने हमसे कहा, और मैंने सारी उम्र अपने बालों के साथ स्ट्रगल की है, मेरी कहानी ये है कि मैंने फेनेस्ट्रॉइड और टॉपिकल सॉल्यूशंस तकरीबन 20 साल लगाए हैं अपने बाल बचाने के लिए, और मैं अपनी कंपनी का न सिर्फ ओनर हूँ बल्कि इसका क्लाइंट भी हूँ. लिटरली आई एम द क्लाइंट. मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं रोज़ाना एक गोली खाता था पिछले 20 साल से भी. और उसका तरीका ये होता है कि आप वो खाएँ तो बाल तो यहाँ थोड़े बहुत आ जाते हैं, थोड़े बहुत इधर जाते हैं, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो 20% ज़्यादा बाल चले जाते हैं. और मैं हर रोज़ सुबह और शाम टॉपिकल मिनोक्सिडिल लगाता था इधर भी और इधर भी, और आप जब उसको छोड़ देते हैं तो बाल जितने आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं. ये हमारा 100% ऑर्गेनिक हर्बल है और PCSIR सर्टिफाइड है. जब आप ये लगाते हैं तो 2 वीक के अंदर रुआ आता है, 4 वीक में थोड़े ज़्यादा होते हैं, 6 वीक में थोड़े ज़्यादा होते हैं, 8 वीक में थोड़े ज़्यादा, और 10 वीक में आपके बाल कंप्लीटली आ जाते हैं. पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने वो गोलियां भी छोड़ दी हैं, मैंने वो टॉपिकल सॉल्यूशन भी छोड़ दी हैं, और मेरे बाल इंटैक्ट. सारे आपने टॉपिकल लगाए हैं, मेरी मदर को तो इंजेक्शन लगाते रहे हैं और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इट रियली मेड अ डिफरेंस. इससे डिफरेंस हुआ बिल्कुल. आपको 7 ड्रॉप्स लगाने हैं, सिर्फ 7 ड्रॉप्स. ये देखिए 7 ड्रॉप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये आपने रात को लगाना है, और लगा के आप सो जाएं, उसके बाद आप इस शैम्पू की मदद से इसको धो सकते हैं सुबह उठ के. एंड दैट्स अबाउट इट. ये इसका कॉम्बिनेशन है. अच्छा जी, वो तमाम लोग जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि जी उनके बाल जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाती है, फंगस हो जाता है, एंटी फंगल है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ये डीप क्लिंस करता है, रूट्स में जाके क्लिंस करता है. ये आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, और सबसे बड़ी बात यह, ये भी आपके बालों को रोकता है. जब आप इस कॉम्बिनेशन को लगाते हैं तो आपके बालों में 4-5 चीज़ें होती हैं. एक तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली घने हो जाते हैं. आपके बाल लंबे होते हैं, जिसमें आपने कहा रेनम कि आपको बालों को लंबा करने की ज़रूरत है. आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ आप वो कर लीजिए. बाल न सिर्फ लंबे होंगे इससे, बल्कि बाल घने बहुत हो जाएंगे, चमकदार हो जाते हैं, और इनके जो टैंगल्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं. आई मीन इट रियली 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 वर्क्स. अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पर, वेट लॉस के बारे में बाद में बात करूँगा. हमें से अक्सर लोग इस बात का शिकार हैं कि जी रिंकल्स बहुत हो जाते हैं चेहरे पे ना, तो क्या करना चाहिए. हमने विटामिन सी को एक कॉम्बिनेशन के साथ लिया है, और कॉम्बिनेशन है विटामिन ई का. जब आप एलोवेरा के साथ इसको मिला देते हैं, विटामिन सी को मिला देते हैं, तो ये वंडर्स करता है.
ये जो आपकी एलोवेरा है ये आपने दिन में लगानी है, और ये जो विटामिन सी का सीरम है ये जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये वाली बॉटल में, इसको इधर एस कर दूं ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पे आप लोग देख सकें, विटामिन सी का जो सीरम है ये आपको शाम में लगाना है। अच्छा, मैं दो अलग अलग डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेनम को मैं विटामिन ई एलोवेरा लगा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा ये कैसा लगता है आपको, और मैं डॉक्टर साहब को भी एलोवेरा लगाए। यहाँ मैं विटामिन सी लगा रहा हूँ फैसल को और अंग्रेज़ को, एंड देन आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। मैं सिर्फ चंद ड्रॉप्स, दो ड्रॉप्स डाले इनको, और फैसल को एक ड्रॉप, बल्कि दो ड्रॉप्स मैंने इनको भी डाले हैं। आप दोनों मुझे बताइए, सबसे पहले डॉक्टर साहब की राय, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कैसा है। साहिर, इतना मुझे फ्रेश फील हो रहा है, पहली बात तो ये स्मूथ फील हो रहा है, और मेरे हाथ पे एक बहुत माइन्यूट सी लाइन था जो कि मुझे लग रहा है कि फिल हो रही है, बहुत बहुत बेहतरीन। आप बताइए। मुझे लगता है कि दिस इज़ एक्सट्रीमली ऑर्गेनिक, बिकॉज आई हैड बिन यूजिंग जो डायरेक्ट लीफ वाला एलो होता है वो मैं यूज़ करती रही हूँ, एंड दिस कम्प्लीटली फील्स लाइक दैट, और वो बड़ा इंस्टेंटली माई हैंड इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड इट इज वर्किंग लाइक मैजिक। सर सर अच्छा लगा, बेहतरीन। और आइए जी आप बताइए। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करते हैं, यानी एलोवेरा लगाते हैं, एलोवेरा के साथ साथ आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, विटामिन सी का सीरम लगाते हैं, तो इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये आपको रात को लगाना है, चंद ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी होते हैं, और ये आपको पूरे दिन में लगाना है, आप अपनी स्किन के अंदर तब्दीली देखिएगा। अच्छा जी, फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो मतलब ग्लो दे सकें, लेकिन ग्लो से पहले एक बात होती है, आप अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे करेंगे? आज गर्मी हीट वेव बहुत ज़्यादा है, और इस हीट वेव के अंदर आपको सनब्लॉक की ज़रूरत होती है। सनब्लॉक जब आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका चेहरा वाइट हो जाता है, तो आज पहली मर्तबा हमने सनब्लॉक को, सनब्लॉक से जो वाइटनेस है वो निकाल दिया, बल्कि सनब्लॉक में इंस्टेंट ग्लो को शामिल करके उसको जेल की शक्ल दी है, और ये बहुत कमाल है। ऐसी जेल आपने कभी यूज़ नहीं की होगी, बहुत थोड़ा लगता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका 100 SPF है, और मैं डॉक्टर आयशा के पास से गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा SPF लगाती हैं, तो आई टोल्ड हर कि 40, तो उन्होंने कहा फॉरन 100 SPF यूज़ करें, तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी 100 SPF रेकमेंड करते हैं। अच्छा, तो आप इसको देख लीजिए, ये जेल है अमोर की, सनब्लॉक जेल इसे कहते हैं, और ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, इसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आप इसको जब ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है। इट्स अमेजिंग, बहुत सॉफ्ट, बहुत नीट, और वो जज्ब हो गया है, ऐसे स्टिकी सा नहीं है बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी साहिर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो मेकअप यूज़ करती हैं वो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करती हैं, प्राइमर्स यूज़ करती हैं। दिस इज़ माई, आई हैव स्पेंट सिक्स ईयर्स इन मीडिया, तो मेकअप से पहले इस तरह का कोई सनब्लॉक लगाना जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, दैट्स क्रूशली इंपॉर्टेंट। आई हैव बिन यूजिंग मेकअप सिंस 6 ईयर्स, बहुत हैवी क्वांटिटी। ऑलराइट जी, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा फ्राइड खाने खाए हैं, पकौड़े खाए हैं, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप सब कुछ खाएँ फिर भी वेट लूज होगा तो कैसा है, ब्रेक के बाद। आसमां से नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, ये भी जान लीजिएगा, अगेन अमोर के सेगमेंट में ये भी जान लीजिएगा कि आज जो भी ऑर्डर करेगा उसको हम देने जा रहे हैं ट्यूसडे के दिन एक बाइक रेफल होगा, ड्रॉ होगा, और ये हम बाइक ट्यूसडे को देंगे। मैंने वो शर्त हटा दिया 3500 की, अब आप 1800 का भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं कर लें। लेकिन अगर आपको आईफोन प्रो जीतना है, 12 प्रो जीतना है, और याद रखिए सिर्फ टीवी वन के लिए है, ओनली एट टीवी वन, नथिंग एल्स, नोवेयर एल्स, कहीं आप और नहीं कर सकते। जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपको हवाला देना पड़ेगा, तब हम आपका नाम ड्रॉ में डालेंगे, और आपको हम आईफोन दे रहे हैं 12 प्रो, गोल्डी कलर का होगा, 272,000 इसकी वैल्यू है जो हम आपको देने जाएंगे 27 रमज़ान मुबारक को, यहीं पर हम ड्रॉ निकालेंगे और आपको हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3500 की परचेजिंग करनी है। और अच्छा, मल्टीपल ड्रॉ हम एंट्रीज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 25 एंट्रीज तो मेरी होगी। देयर यू गो, आपके हस्बैंड यहीं बैठे ना, अल्लाह ताला उन पे रहम करे। बट एनीवे, हस्बैंड जो है ना कॉलर ठीक कर रहे हैं, 20-25 दफा ऑर्डर जी वो कॉलर भी ठीक कर रहे हैं, और साथ साथ अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देख रहे हैं कि यार अब क्या होगा। एनीवे, कमिंग बैक टू इजिप्ट जी, आज हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि खूबसूरती वो जो बोले, वैसे तो दुनिया में हर खातून, हर मर्द, हर जीरो खूबसूरत है, लेकिन
ये आपके इख्तियार में भी है कि आप अपने हुस्न को कैसे मज़ीद बेहतर और बनाते हैं, किस तरह से आप उसकी हिफाजत करते हैं। तो हमने उसके लिए गोल्ड फ्लेक इसके अंदर डाले हैं। ये हमारा आर्गन बेस्ड इजिप्शियन ऑयल है जो कमाल वर्क करता है। इसके आपको 3 से 4 वैसे हम 5 कतरे लिखते हैं, लेकिन 3 से 4 आपको ड्रॉप्स लेने होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना होता है, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी स्किन कितनी रिजुवनेट होती है, कितना ज़्यादा ये काम करती है। इसके अंदर आप फ्लेक्स भी देख सकते हैं, एक्चुअल गोल्ड आपको नज़र आएगा, गोल्ड पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। सो हियर वी गो, आपको मैंने थोड़ा सा दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा दिया है, आप एक एक कतरा मैं दे रहा हूँ, एक एक ड्रॉप्स दे रहा हूँ, और ये आप तो ले लें, आप तो आपको वैसे भी इस्तेमाल डॉक्टर साहब इनको इस्तेमाल नहीं करने देती हैं। अच्छा, तो आप ये देखें गोल्ड जो गोल्ड आ गया ना। हाँ। अच्छा वाकई, लुक एट दिस, इसमें एक्चुअल गोल्ड है। अगर आप फैसल का हाथ जरा दिखा दें, ये देखें कैलाश भाई आप दिखा दें या कोई और दिखाए, नज़र आ रहा है? हाँ, एक्चुअल नज़र आ रहा है, एक्चुअल गोल्ड है इसके अंदर, एक्चुअल। तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगर आप एक और ब्रांड है दुनिया का अगर आप वो लेते हैं तो $197 का ये होता है, उसकी एफिकेसी इससे बेहतर नहीं है, इसकी बहुत अच्छी एफिकेसी है। वैसे 5000 का है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का है। सर बताइए कैसा लगा आपको? एक ड्रॉप है, वन ड्रॉप मेरी बेगम का फेवरेट है। ओह, देयर यू गो, तो आपका तो नहीं होना स्मूथ जी। हाउ डू आई लव इट्स फ्रेग्रेंस, और वन ड्रॉप कवर्ड होल माय हैंड, तो आई थिंक 2 ड्रॉप्स विल कवर होल माय फेस। मैक्सिमम 2 से 3 ड्रॉप्स आपको चाहिए, और मैक्सिमम जी कैसा लगा डॉक्टर? ये रीजनरेट करता है साहिब, सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्किन को ये यंग करता है। इसका बेसिक जो काम है वो यही है कि वो आपकी स्किन से जो रिंकल्स हैं उनको हाइड, और माइन्यूट रिंकल्स इस वक्त भी मेरे जो इस हाथ पे अगर आप कंपेयर करें तो वो गायब हो चुके हैं। अच्छा, शाइन दे है, शाइन दे है, शाइन शाइन आती है, बिल्कुल आती है शाइन। अच्छा, अभी आप कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर रहे, अभी अगर कॉल करेंगे तो आप ड्रॉ में भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन कॉल आपको अभी करनी है, ताकि क्योंकि देखिए उसके बाद अफ्तार के बाद ऑफ हो जाएगा, फिर आपको कल का वेट करना पड़ेगा, तो कॉल आपको अभी करनी है अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। ये हमारी इंस्टेंट ग्लो क्रीम है, इसे प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं। आप अपना एक हाथ दे दीजिए मुझे, एक हाथ, हाँ ये वाला। अब सिर्फ इसी को इतना लगाइए और 30 सेकंड्स का वेट कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अच्छा, ये बाय द वे मैं हर रोज़ ये चेंज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर रोज़ मैं चेंज करता हूँ। ये 30 सेकंड्स का मिरेकल है, इसको हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं, अमोर का प्लैटिनम गोल्ड है। वैसे 3500 की आज लेते हैं तो 1500 के, इट्स अमेजिंग, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसको तो छोड़ दीजिए, फ्रेग्रेंस को छोड़ दीजिए, आपके हाथ में एक डिफरेंस, आपके हाथ को इंस्टेंट ग्लो देता है वो। दिखाइए अपना दूसरा हाथ, दिखाइए और ये दिखाइए, उसको पूरा कर लीजिए, पूरा रब कर लीजिए, आराम से उसको रब कीजिए। हाँ, और आप इसको, आपने इस पे वो ऑयल भी लगाया वाला, या दैट्स ओके, दैट्स ओके। अब दिखाइए, दिखा दीजिए, देयर यू गो, देयर यू गो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज 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 डिफरेंस, एक्सट्रीमली, आई कैन सी ऑन द डिफरेंस। और ये 30 सेकंड के अंदर हो जाता है, आपके सामने लाइव है, 30 सेकंड के अंदर हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं 2 चीज़ों पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो ये राइस स्क्रब है और ये राइस सीरम है, बकॉल डॉक्टर आयशा के, कि ये राइस सीरम जो है ये आपको पिंकिश स्किन दे देता है, विच इज़ वेरी ट्रू। राइस स्क्रब मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, आज भी यही इस्तेमाल किया हुआ, मेकअप शेकअप करता नहीं भाई, लेकिन ये राइस स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। वैसे हम 2 दफ़ा कहते हैं कि आप हफ्ते में लगाएं, मैं इसको डेली लगाता हूँ, एक्सफोलिएट करता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, इसको लगा लें आप, रोज़ रात को स्क्रब करके सोना चाहिए वैसे भी। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, और अगर आप रात को ये लगा लेते हैं, दिन में ये लगा लेते हैं, किसी भी वक्त, तो आपकी स्किन को लिफ्ट मिलता है, तवनाई मिलती है, और राइस एंड वनीला की खुशबू है, और ये पिंक करता है, बेबी पिंक करता है आपकी स्किन को। एक ड्रॉप मैंने इनको दिया है, एक ड्रॉप मैंने फैसल को दिया है, एक ड्रॉप मैं रिनम को दे रहा हूँ, और एक ही ड्रॉप मैं रिदा को दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है? We'll start with अंग्रेज, अंग्रेज यू टेल। टाइट नहीं, टाइट नहीं, फौरन टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है। फैसल यार आपके सारे प्रोडक्ट एक से एक मतलब बढ़िया है। You like it? All right, जी, डॉक्टर साहिबा। सबसे बड़ी बात ये, स्क्रब के बाद इसे लगाएंगे तो वो सॉफ्टनिंग सा, मतलब अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा आपको इफेक्ट दे रहा है, नो डाउट। और पिंक तो ऑब्वियसली आप बताइए। बेबी स्किन, वो जो मेरा व्हाइट और ब्लैक वाला मामला था वो अभी हल हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये ले सकते हैं, इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कमाल हो जाएगा। राइस का स्क्रब ले लें और साथ साथ राइस का सिरम ले लें, कमाल हो जाएगा। अच्छा जी, वो लोग जिनको अपने डार्क स्पॉट्स खत्म करने हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, उनसे कहिए अभी कॉल करके कि वो आपको पिग्मा क्योर दे दें, दैट्स इट, पिग्मा क्योर दे दें। ये आपके डार्क स्पॉट्स खत्म कर देंगे, एक्नी के दाग जो है वो मिटा देंगे, 2.5 महीने लगते हैं लेकिन चले जाएंगे। अच्छा, ये भी PCSIR सर्टिफाइड है। अब हम आते हैं मुकाबले की तरफ, मैं आपको ये बताऊँ, वैसे तो आप हमारी ये बीबी क्रीम भी ले सकते हैं, और इससे बेहतर बीबी क्रीम आपने नहीं यूज़ की होगी, बट इट्स अप टू यू। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अब आप कैसे जीत सकते हैं। बाइक ज़रा बाइक का दिखा दीजिएगा, अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं, इस वक्त ऑर्डर करते हैं, तो आज और कल जो लोग भी ऑर्डर करेंगे उनको हम ये बाइक देने जाएंगे ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा,
आईफोन कैसे जीत सकते हैं? बाइक 54,000 की है, जो आईफोन है वो 2,70,000 रुपये का है। किस तरह से है? आईफोन इसी कलर में आपको मिलेगा और सिर्फ टीवी वन की प्रमोशन है ये। इसके अलावा हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की, नूर रमजान, इश्क रमज़ान, इसकी ट्रांसमिशन की ये प्रमोशन है, इसके अलावा कहीं नहीं आपको मिलेगी। याद रखिएगा कि आप अगर ये करते हैं तो आपको 2,72,000 रुपये का ये फ़ोन मिल जाएगा 27 रमज़ान मुबारक को। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसे परफ्यूम्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लगाइएगा इनमें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये मसला ही हल हो जाएगा। सीन दिखाइएगा सबसे पहला मसला ही हल हो जाएगा आपका अगर आप इसको दिखाते हैं। ये ख़वातीन और वुमेन जो ख़वातीन उमर जो हैं वो लगा सकते हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेरा है, सीन इस पर लिखा हुआ है, आप इसको लगाइए। ये वैसे 7,000 का है, आज अगर लेते हैं तो 3,500 का है, यानी अगर आप सिर्फ ये परफ्यूम भी ले लेते हैं तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। आपको मैं लगाना चाहता हूँ, ऐसे देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। सिर्फ ट्राई कीजिएगा। हाँ, एंड लेट मी आस्क यू, कैसा है? मैं तो इसको यहाँ से लगाता हूँ ऐसे करके, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो लगा लेता हूँ। हाँ जी बताइए। अच्छा, मुझे वैसे भी थोड़ी ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो जेंडर आइडेंटिफाइड ना हो, क्योंकि इट फील्स मोर रिफ्रेशिंग। अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। सारी बहुत अमेजिंग, मुझे पता आप भी आते सारे सीन किधर है, सीन किधर। मैं तो ये कहूंगा ये तो आगाज है, तो और भी है। अमेजिंग। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये पैकेजिंग आप देख लीजिएगा कि वैसे आप जब परफ्यूम्स लेते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, और हमने आपको जो पैकेज दिया है वो ये दिया गिफ्ट्स के लिए, बेस्ट देख लीजिएगा आप। इस तरह से आपको सीन मिलेगा, तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। 3,500 का परफ्यूम, वैसे 7,000 का है, 3,500 का आप इसको ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। इसकी पैकिंग बड़ी एलिगेंट है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिस इज़ रियली गुड। आप अभी कॉल कीजिए, नंबर सामने हैं आपके, अभी कॉल कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद एक परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगैन यूनिसेक्स है, इट्स कॉल्ड कहानी। कहानी सबकी होती है, मेरी हो या आपकी हो, हम सबकी एक कहानी है। मैं लगाना चाहता हूँ, ये भी ख़वातीन मर्दों का दोनों का है, कहानी, और कहानी इस्तेमाल कीजिएगा, एंड यू लाइक इट, यू रियली रियली लाइक इट। ऑलराइट, हाँ जी, नज़र आ रहा होगा, वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, और कहानी आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ, ऐसे खोलिएगा, यूँ खोलिएगा, ये कहानी है। तो यही पैकेजिंग आपको मिलती है, और इसी तरह की पैकेजिंग मिलेगी। कहानी 5400 का है, आज अगर लेते हैं तो 2700 का है, तो आप शामिल हो सकते हैं, कहानी भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि लगा रहा हूँ, मैं कहानी इज वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, ख़वातीन का एक फ्रेग्रेंस है जो इसको लम्हे, ख़वातीन मोमेंट्स की बहुत बहुत सेवर करती है मोमेंट्स को, लम्हे। मैं चाहता हूँ कि एवरीवन शुड फील दिस। ये ख़वातीन का तुम्हें नहीं लगा रहा, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा जाने को। लम्हे मैं भी बड़ी मुश्किल से गुजारूंगा। अच्छा जी, लम्हे की पैकेजिंग भी यही है, देख लीजिएगा, ये इस तरह से आप खोलेंगे, ये आपको लम्हे मिल जाएगा। जी बताइए मुझे कैसा लगा लम्हे? बहुत अमेजिंग है, बहुत परफेक्ट है, लाइक इट, लॉन्ग लास्टिंग, टिपिकल विमेंस परफ्यूम। ऑलराइट, अच्छा, आपको पसंद होता है जो? अच्छा, एक परफ्यूम जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई वांट यू गाइस टू हैव इट, वो ज़ीस्ट है। ज़ीस्ट जो है वो बड़ा कमाल परफ्यूम है, ज़ीस्ट के माने होता है जिंदगी, और इसको मैं चाहता हूँ कि सब लगाएं। ये ख़वातीन का है, अगैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो आप हमारे 8 डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स हैं, और 8 के 8 अवेलेबल हैं। आप मुझे बताइए, ज़ीस्ट का मैंने पैक उठा लिया है, इस तरह का पैक है, आप इसको ऐसे खोलेंगे और ये ज़ीस्त आपको मिल जाएगा। कैसा है? बहुत अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस ये टाइम अप, सब बहुत अच्छे, टाइम्स अप, सारे अच्छे। अब भी कॉल कीजिए, ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उससे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, और अब सेगमेंट है अमोर का, ज़रा पीछे लगा दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, इसको ज़रा बंद कर दें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अमोर लाया आपके लिए एक्साइटिंग खबर, और ये सिर्फ और सिर्फ है टीवी वन के लिए, कि हम आपको देने जा रहे हैं 27 रमज़ान मुबारक को एक अदद 12 Pro। हाँ, ये तो हटा दीजिए, बाद में करेंगे, हाँ, देयर यू गो, 3500 की, ये भी बाद में। अच्छा चले, मोटर बाइक आपने लगा दिए ना, चले मैं आपको दे देता हूँ, आज और कल में जितने लोग ऑर्डर करेंगे उनको हम बाइक के ड्रॉ में रख लेते हैं, और इस ड्रॉ का नाम हम निकालेंगे ट्यूसडे को। ये भी टीवी वन की तरफ से है, बाइक का ड्रॉ हम कर देते हैं, जो आज और कल ऑर्डर करेंगे, और आपको ऑर्डर करना है, चाहे आप कितने का भी ऑर्डर करें, कितने का भी, मैं ये हटा रहा हूँ 3500 के, मैं वो हटा रहा हूँ, आप कितने का भी ऑर्डर करें, मैं आपका नाम ड्रॉ में डाल दूंगा। आज और कल के दरमियान जो लोग भी ऑर्डर करेंगे टीवी वन की तरफ से, अमोर की तरफ से, उनको हम ये बाइक देने जा रहे हैं इस स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में। लेकिन अगर आप 3500 का ऑर्डर करते हैं तो आपको हम देने जा रहे हैं 12 Pro आईफोन है, ये गोल्ड कलर का आईफोन है, 2,72,000 रुपये इसकी कीमत है, 27 रमज़ान मुबारक को हम आपको दे देंगे।
तो ले लीजिए। ऑर्डर कैसे करना है? ऑर्डर ऐसे करना है रेनम के सामने बिल्कुल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आप कॉल करें। आपका अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके हेयर लॉस खत्म हो सकता है। अगर आपका वेट लूज आपको करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आपका वेट लॉस बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। फैट लॉस होगा आपके, यहाँ से इंचेस जो है वो चले जाएंगे। साथ साथ अगर आपकी स्किन को ग्लो चाहिए तो सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्लस अगर आपको खुशबुएँ चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती हैं। कॉल आपको अभी करनी है, सामने नंबर है अगर आप ये जीतना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर लॉस की, बिकॉज हेयर लॉस वो बड़े तरीकों की वजह से होता है। आपने कहा कि अभी आपको बाल लंबे करने हैं, जिनको अपने बाल लंबे करने हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये वाला शैम्पू है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक की तरह से ये काम करता है। पहली मरतबा लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, लिटरली बंद हो जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका माइल्ड हेयर लॉस है, जिनका माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा हेयर लॉस है, मीडियम हेयर लॉस है, उनको एक काम करना पड़ेगा। उनको इसके साथ साथ ये सिल्क ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा हफ्ते में 3 दिन। लिटरली बता रहा हूँ, आपके बालों का इलाज है ये, 3 दिन आपको ये सिल्क ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेस्ट हेयर प्रोडक्ट है ये वाला आपका, ये वाकई बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये ड्रॉपर के साथ है और इसके अंदर आप ये ड्रॉपर के जरिए ऐसे आप कर लें, बालों की स्कैल्प के अंदर ऐसे आप यूँ करें, 40 मिनट तक रखें, इसके बाद इसको रिंस कर लें और रिंस करने के बाद आप शैम्पू से इसको धो लीजिए, इस शैम्पू के साथ धो लीजिए। ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। फिर कुछ लोगों ने हमसे कहा, और मैंने सारी उम्र अपने बालों के साथ स्ट्रगल की है, मेरी कहानी ये है कि मैंने फेनेस्ट्रॉइड और टॉपिकल सॉल्यूशंस तकरीबन 20 साल लगाए हैं अपने बाल बचाने के लिए, और मैं अपनी कंपनी का न सिर्फ ओनर हूँ बल्कि इसका क्लाइंट भी हूँ, लिटरली आई एम द क्लाइंट। मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं रोज़ाना एक गोली खाता था पिछले 20 साल से भी, और उसका तरीका ये होता है कि आप वो खाएँ तो बाल तो यहाँ थोड़े बहुत आ जाते हैं, थोड़े बहुत इधर जाते हैं, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो 20% ज़्यादा बाल चले जाते हैं। और मैं हर रोज़ सुबह और शाम टॉपिकल मिनोक्सिडिल लगाता था, इधर भी और इधर भी, और आप जब उसको छोड़ देते हैं तो बाल जितने आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ये हमारा 100% ऑर्गेनिक हर्बल है और PCSIR सर्टिफाइड है। जब आप ये लगाते हैं तो 2 वीक के अंदर रुआ आता है, 4 वीक में थोड़े ज़्यादा होते हैं, 6 वीक में थोड़े ज़्यादा होते हैं, 8 वीक में थोड़े ज़्यादा, और 10 वीक में आपके बाल कम्प्लीटली आ जाते हैं। पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने वो गोलियाँ भी छोड़ दी हैं, मैंने वो टॉपिकल सॉल्यूशन भी छोड़ दी हैं और मेरे बाल इंटैक्ट हैं। टॉपिकल लगाए हैं, मेरी मदर को तो इंजेक्शन लगाते रहे हैं और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इट रियली मेड अ डिफरेंस। इससे डिफरेंस हुआ बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, ये आपको 7 ड्रॉप्स लगाने हैं, सिर्फ 7 ड्रॉप्स। ये देखिए 7 ड्रॉप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपने रात को लगाना है और लगा के आप सो जाएं, उसके बाद आप इस शैम्पू की मदद से इसको धो सकते हैं सुबह उठ के, एंड दैट्स अबाउट इट। ये इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, वो तमाम लोग जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि जी उनके बाल जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाती है, फंगस हो जाता है, एंटी फंगल है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डीप क्लिंस करता है, रूट्स में जाके क्लिंस करता है। ये आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, और सबसे बड़ी बात ये भी आपके बालों को रोकता है। जब आप इस कॉम्बिनेशन को लगाते हैं तो आपके बालों में 4-5 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली घने हो जाते हैं, आपके बाल लंबे होते हैं, जिसमें आपने कहा रेनम कि आपको बालों को लंबा करने की ज़रूरत है। आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ आप वो कर लीजिए, बाल न सिर्फ लंबे होंगे इससे बल्कि बाल घने बहुत हो जाएंगे, चमकदार हो जाते हैं, और इनके जो टैंगल्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। आई मीन इट रियली 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 वर्क्स। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पर, वेट लॉस के बारे में बाद में बात करूँगा। हम में से अक्सर लोग इस बात का शिकार हैं कि जी रिंकल्स बहुत हो जाते हैं चेहरे पे ना, तो क्या करना चाहिए। हमने विटामिन सी को एक कॉम्बिनेशन के साथ लिया है, और कॉम्बिनेशन है विटामिन ई का। जब आप एलोवेरा के साथ इसको मिला देते हैं, विटामिन सी को मिला देते हैं, तो ये वंडर्स करता है। ये जो आपकी एलोवेरा है ये आपने दिन में लगानी है, और ये जो विटामिन सी का सीरम है, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये वाली बॉटल में, इसको इधर ऐसे कर दूँ ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पर आप लोग देख सकें, विटामिन सी का जो सीरम है ये आपको शाम में लगाना है। अच्छा, मैं 2 अलग अलग डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेनम को मैं विटामिन ई एलोवेरा लगा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा ये कैसा लगता है आपको, और मैं डॉक्टर साहब को भी एलोवेरा लगाएं। यहाँ मैं विटामिन सी लगा रहा हूँ फैसल को और अंग्रेज़ को, एंड देन आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालें इनको, और फैसल को 1 ड्रॉप, बल्कि 2 ड्रॉप्स मैंने इनको भी डाले हैं। आप दोनों मुझे बताइए, सबसे पहले डॉक्टर साहब की राय, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कैसा है। साहिर, इतना मुझे फ्रेश फील हो रहा है, पहली बात तो ये स्मूथ फील हो रहा है, और मेरे हाथ पे एक बहुत माइन्यूट सी लाइन था जो मुझे लग रहा है कि फिल हो रही है, बहुत बहुत बेहतरीन। आप बताइए। मुझे लगता है कि दिस इज एक्सट्रीमली ऑर्गेनिक, बिकॉज आई हैड बिन यूजिंग जो डायरेक्ट लीफ वाला एलो होता है वो मैं यूज़ करती रही हूँ, एंड दिस कम्प्लीटली फील्स लाइक दैट, और वो बड़ा इंस्टेंटली माई हैंड इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड इट इज़ वर्किंग लाइक मैजिक। सर अच्छा लगा, बेहतरीन।
ऑलराइट जी आप बताइए। जबरदस्त, बहुत अच्छा। ऑलराइट, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज करते हैं, यानी एलोवेरा लगाते हैं, एलोवेरा के साथ साथ आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, विटामिन सी का सीरम लगाते हैं, तो इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये आपको रात को लगाना है, चंद ड्रॉप्स, 3 to 4 ड्रॉप्स यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी होते हैं, और ये आपको पूरे दिन में लगाना है। आप अपनी स्किन के अंदर तब्दीली देखिएगा। अच्छा जी, फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो मतलब ग्लो दे सकें, लेकिन ग्लो से पहले एक बात होती है, आप अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे करेंगे? आज गर्मी हीट वेव बहुत ज़्यादा है और इस हीट वेव के अंदर आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। सन ब्लॉक जब आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका चेहरा वाइट हो जाता है, तो आज पहली मरतबा हमने सन ब्लॉक को, सन ब्लॉक से जो वाइटनेस है वो निकाल दिया, बल्कि इस सन ब्लॉक में इंस्टेंट ग्लो को शामिल करके उसको जेल की शक्ल दी है, और ये बहुत कमाल है। ऐसी जेल आपने कभी यूज़ नहीं की होगी, बहुत थोड़ा लगता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका 100 SPF है, और मैं डॉक्टर आयशा के पास से गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा SPF लगाती हैं, तो आई टोल्ड हर कि 40, तो उनका फॉरन 100 SPF यूज़ करें, तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी 100 SPF रेकमेंड करते हैं। अच्छा, तो आप इसको देख लीजिए, ये जेल है अमोर की, सन ब्लॉक जेल इसे कहते हैं, और ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, इसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आप इसको जब ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है? इट्स अमेजिंग, बहुत सॉफ्ट, बहुत नीट, और वो जज्ब हो गया है, ऐसे स्टिकी सा नहीं है बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी साहिर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो मेकअप यूज़ करती हैं वो डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करती हैं, प्राइमर्स यूज़ करती हैं। दिस इज़ माई, आई हैव स्पेंट सिक्स ईयर्स इन मीडिया, तो मेकअप से पहले इस तरह का कोई सन ब्लॉक लगाना जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, दैट्स क्रूशली इंपॉर्टेंट। आई हैव बीन यूजिंग मेकअप सिंस 6 ईयर्स, बहुत हैवी। ऑलराइट जी, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा, फ्राइड खाने खाए हैं, पकौड़े खाए हैं, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप सब कुछ खाएँ फिर भी वेट लूज होगा तो कैसा है? ब्रेक के बाद नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, ये भी जान लीजिएगा, अगेन अमोर के सेगमेंट है, ये भी जान लीजिएगा कि आज जो भी ऑर्डर करेगा उसको हम देने जा रहे हैं ट्यूसडे के दिन एक बाइक रेफल होगा, ड्रॉ होगा, और ये हम बाइक ट्यूसडे को देंगे। मैंने वो शर्त हटा दिया 3500 की, अब आप 1800 का भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं कर लें। लेकिन अगर आपको आईफोन प्रो जीतना है, 12 प्रो जीतना है, और याद रखिए सिर्फ टीवी वन के लिए है, ओनली एट टीवी वन, नथिंग एल्स, नोवेयर एल्स, कहीं आप और नहीं कर सकते। जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपको हवाला देना पड़ेगा, तब हम आपका नाम ड्रॉ में डालेंगे, और आपको हम आईफोन दे रहे हैं 12 प्रो, गोल्डी कलर का होगा, 272,000 इसकी वैल्यू है जो हम आपको देने जाएंगे। 27 रमजान मुबारक को यहीं पर हम ड्रॉ निकालेंगे और आपको हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3500 की परचेजिंग करनी है। ड्रॉ हम एंट्रीज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 25 एंट्रीज तो मेरी होगी। देयर यू गो, आपके हस्बैंड यहीं बैठे ना, अल्लाह ताला उन पे रहम करे। बट एनीवे, हस्बैंड जो है ना, कॉलर ठीक कर रहे हैं, 20-25 दफा ऑर्डर कर रहे हैं, वो कॉलर भी ठीक कर रहे हैं और साथ साथ अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देख रहे हैं कि यार अब क्या होगा। एनीवे, कमिंग बैक टू इजिप्ट जी, आज हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि खूबसूरती वो जो बोले, वैसे तो दुनिया में हर खातून, हर मर्द, हर जीरो खूबसूरत है, लेकिन ये आपके इख्तियार में भी है कि आप अपने हुस्न को कैसे मज़ीद बेहतर और बनाते हैं, किस तरह से आप उसकी हिफाजत करते हैं। तो हमने उसके लिए गोल्ड फ्लेक इसके अंदर डाले हैं, ये हमारा आर्गन बेस्ड इजिप्शियन ऑयल है जो कमाल वर्क करता है। इसके आपको 3 से 4 वैसे हम 5 कतरे लिखते हैं, लेकिन 3 से 4 आपको ड्रॉप्स लेने होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना होता है, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी स्किन कितनी रिजुविनेट होती है, कितना ज़्यादा ये काम करती है। इसके अंदर आप फ्लेक्स भी देख सकते हैं, एक्चुअल गोल्ड आपको नज़र आएगा, गोल्ड पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। सो हियर वी गो, आपको मैंने थोड़ा सा दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा दिया है, आप एक एक कतरा में दे रहा हूँ, एक एक ड्रॉप्स दे रहा हूँ, और ये आप तो ले लें, आप तो आपको वैसे भी इस्तेमाल डॉक्टर साहिबा इनको इस्तेमाल नहीं करने देती हैं। अच्छा, तो आप ये देखें गोल्ड जो गोल्ड आ गया ना। हाँ। अच्छा वाकई, लुक एट दिस, इसमें एक्चुअल गोल्ड है। अगर आप फैसल का हाथ जरा दिखा दें, ये देखें, कैलाश भाई आप दिखा दें या कोई और दिखाए, नज़र आ रहा है? हाँ, एक्चुअल नज़र आ रहा है, एक्चुअल गोल्ड है इसके अंदर, एक्चुअल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगर आप एक और ब्रांड है दुनिया का, अगर आप वो लेते हैं तो $197 का ये होता है, उसकी एफिकेसी इससे बेहतर नहीं है, इसकी बहुत अच्छी एफिकेसी है, वैसे 5000 का है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का है। सर बताइए कैसा लगा आपको? एक ड्रॉप है, वन ड्रॉप मेरी बेगम का फेवरेट है। ओह देयर यू गो, तो आपका तो नहीं होना, स्मूथ
जी हाउ डू आई लव इट्स फ्रेग्रेंस और वन ड्रॉप कवर्ड होल माय हैंड तो आई थिंक टू ड्रॉप्स विल कवर होल माय फेस मैक्सिमम दो से तीन ड्रॉप्स आपको चाहिए और मैक्सिमम जी कैसा लगा डॉक्टर ये रीजनरेट करता है साहि सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्किन को ये यंग करता है इसका बेसिक जो काम है वो यही है कि वो आपकी स्किन से जो रिंकल्स हैं उनको हाइड और माइन्यूट रिंकल्स इस वक्त भी मेरे जो इस हाथ पे अगर आप कंपेयर करें तो वो गायब हो चुके हैं अच्छा शाइन दे है शाइन दे है शाइन शाइन आती है बिल्कुल आती है शाइन अच्छा अभी आप कॉल कर सकते हैं अभी कॉल कर अभी अगर कॉल करेंगे तो आप ड्रॉ में भी शामिल हो जाएंगे लेकिन कॉल आपको अभी करनी है ताकि क्योंकि देखिए उसके बाद अफ्तार के बाद ऑफ हो जाएगा फिर आपको कल का वेट करना पड़ेगा तो कॉल आपको अभी करनी है अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ये हमारी इंस्टेंट ग्लो क्रीम है इसे प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं आप अपना एक हाथ दे दीजिए मुझे एक हाथ हाँ ये वाला अब सिर्फ इसी को इतना लगाइए और 30 सेकंड्स का वेट कीजिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अच्छा ये बाय द वे मैं हर रोज़ ये चेंज करता हूँ ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हर रोज़ मैं चेंज करता हूँ ये 30 सेकंड्स का मिरेकल है इसको हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं अमोर का प्लैटिनम गोल्ड है वैसे 3500 की आज लेते तो 1500 के इट्स अमेजिंग आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ उसको तो छोड़ दीजिए फ्रेग्रेंस को छोड़ दीजिए आपके हाथ में एक डिफरेंस आपके हाथ को इंस्टेंट ग्लो देता है वो दिखाइए अपना दूसरा हाथ दिखाइए और ये दिखाइए उसको पूरा कर लीजिए पूरा रब कर लीजिए आराम से उसको रब कीजिए हाँ और आप इसको आपने इस पे वो ऑयल भी लगाया वाला या हाँ दैट्स ओके अब दिखाइए दिखा दीजिए देयर यू गो देयर यू गो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस देयर इज अ ह्यूज 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 डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस और ये 30 सेकंड के अंदर हो जाता है आपके सामने लाइव है 30 सेकंड के अंदर हो जाता है अच्छा जी उसके बाद हम आते हैं दो चीज़ों पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक तो ये राइस स्क्रब है और ये राइस सीरम है बकौल डॉक्टर आयशा के कि ये राइस सीरम जो है ये आपको पिंकिश स्किन दे देता है विच इज़ वेरी ट्रू राइस स्क्रब मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ आज भी यही इस्तेमाल किया हुआ मेकअप शेकअप करता नहीं भाई लेकिन ये राइस स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ वैसे हम दो दफ़ा कहते हैं कि आप हफ्ते में लगाएं मैं इसको डेली लगाता हूँ एक्सफोलिएट करता है दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सफोलिएटर है इसको लगा लें आप रोज़ रात को स्क्रब करके सोना चाहिए वैसे भी अच्छा वैसे मैं आपको बताऊँ और अगर आप रात को ये लगा लेते हैं दिन में ये लगा लेते हैं किसी भी वक्त तो आपकी स्किन को लिफ्ट मिलता है तवनाई मिलती है और राइस एंड वनीला की खुशबू है और ये पिंक करता है बेबी पिंक करता है आपकी स्किन को एक ड्रॉप मैंने इनको दिया है एक ड्रॉप मैंने फैसल को दिया है एक ड्रॉप मैं रिनम को दे रहा हूँ और एक ही ड्रॉप मैं रिदा को दे रहा हूँ अब मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है we'll start with अंग्रेज अंग्रेज यू टेल टाइट नहीं टाइट नहीं फौरन टाइट हो जाती है स्किन टाइट हो जाती है फैसल यार आपके सारे प्रोडक्ट एक से एक मतलब बढ़िया हैं You like it? All right, जी डॉक्टर साहबा सबसे बड़ी बात ये स्क्रब के बाद इसे लगाएंगे तो बहुत सॉफ्टनिंग सा और मतलब अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा आपको इफेक्ट दे रहा है नो डाउट और पिंक तो ऑब्वियसली बेबी स्किन आप बताइए बेबी स्किन जो मेरा व्हाइट और ब्लैक वाला मामला था वो अभी हल हो गया है All right, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये ले सकते हैं इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कमाल हो जाएगा राइस का स्क्रब ले लें और साथ साथ राइस का सिरम ले लें कमाल हो जाएगा अच्छा जी वो लोग जिनको अपने डार्क स्पॉट्स खत्म करने हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ उनसे कहिए अभी कॉल करके कि वो आपको पिग्मा क्योर दे दें दैट्स इट पिग्मा क्योर दे दें ये आपके डार्क स्पॉट्स खत्म कर देंगे एक्नी के दाग जो है वो मिटा देंगे 2.5 महीने लगते हैं लेकिन चले जाएंगे अच्छा ये भी PCSIR सर्टिफाइड है अब हम आते हैं मुकाबले की तरफ मैं आपको ये बताऊँ वैसे तो आप हमारी ये बीबी क्रीम भी ले सकते हैं और इससे बेहतर बीबी क्रीम आपने नहीं यूज़ की होगी बट इट्स अप टू यू अच्छा लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अब आप कैसे जीत सकते हैं बाइक ज़रा बाइक का दिखा दीजिएगा अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं इस वक्त ऑर्डर करते हैं तो आज और कल जो लोग भी ऑर्डर करेंगे उनको हम ये बाइक देने जाएंगे ट्यूसडे वाले दिन अच्छा आईफोन कैसे जीत सकते हैं बाइक 54,000 की है जो आईफोन है वो 2,70,000 रुपये का है किस तरह से है आईफोन इसी कलर में आपको मिलेगा और सिर्फ टीवी वन की प्रमोशन है ये इसके अलावा हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की नूर रमजान इश्क रमज़ान इसकी ट्रांसमिशन की ये प्रमोशन है इसके अलावा कहीं नहीं आपको मिलेगी याद रखिएगा कि आप अगर ये करते हैं तो आपको 2,72,000 रुपये का ये फ़ोन मिल जाएगा 27 रमज़ान मुबारक को अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसे परफ्यूम्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं लगाइएगा इनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ये मसला ही हल हो जाएगा नहीं नहीं शीन दिखाइए सीन दिखाइएगा सबसे पहला मसला ही हल हो जाएगा आपका अगर आप इसको दिखाते हैं ये ख़वातीन और वुमेन जो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो लगा सकते हैं यूनिसेक्स परफ्यूम है मेरा है सीन इस पर लिखा हुआ है आप इसको लगाइए ये वैसे 7,000 का है आज अगर लेते हैं तो 3,500 का है यानी अगर आप सिर्फ ये परफ्यूम भी ले लेते हैं तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे आपको मैं लगाना चाहता हूँ ऐसे देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है सिर्फ ट्राई कीजिए सिर्फ ट्राई कीजिए सिर्फ ट्राई कीजिएगा हाँ एंड लेट मी आस्क यू कैसा है मैं तो इसको यहाँ से लगाता हूँ ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ मैं तो लगा लेता हूँ हाँ जी बताइए अच्छा मुझे वैसे भी थोड़ी ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो जेंडर आइडेंटिफाइड ना हो क्योंकि इट फील्स मोर रिफ्रेशिंग अच्छा लगा मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा जी बहुत अमेजिंग मुझे पता है आप भी आते सारे सीन किधर है सीन किधर मैं तो ये कहूंगा ये तो आगाज है अभी तो और भी है अमेजिंग अच्छा और सबसे बड़ी बात ये पैकेजिंग आप देख लीजिएगा
किस वैसे आप जब परफ्यूम्स लेते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, और हमने आपको जो पैकेज दिया वो ये दिया गिफ्ट्स के लिए बेस्ट है। देख लीजिएगा आप, इस तरह से आपको सीन मिलेगा, तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। 3500 का परफ्यूम, वैसे 7000 का है, 3500 का आप इसको ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। इसकी पैकिंग बड़ी एलिगेंट है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिस इज रियली गुड। आप अभी कॉल कीजिए, नंबर सामने है आपके, अभी कॉल कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद एक परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगेन यूनिसेक्स है, इट्स कॉल्ड कहानी। कहानी सबकी होती है, मेरी हो या आपकी हो, हम सबकी एक कहानी है। मैं लगाना चाहता हूँ, ये भी ख़वातीन मर्दों का दोनों का है कहानी, और कहानी इस्तेमाल कीजिएगा, एंड यू लाइक इट, यू रियली रियली लाइक इट। ऑलराइट, हाँ जी, नज़र आ रहा होगा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, यस। अच्छा, और कहानी आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ, ऐसे खोलिएगा, यूँ खोलिएगा, ये कहानी है। तो यही पैकेजिंग आपको मिलती है, और इसी तरह की पैकेजिंग मिलेगी। कहानी 5400 का है, आज अगर लेते हैं तो 2700 का है, तो आप शामिल हो सकते हैं, कहानी भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि लगा रहा हूँ, मैं कहानी इज वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, ख्वातीन का एक फ्रेग्रेंस है जो इज कॉल्ड लम्हे। ख्वातीन मोमेंट्स की बहुत बहुत सेवर करती है, मोमेंट्स को, लम्हे। मैं चाहता हूँ कि एवरीवन शुड फील दिस। ये ख्वातीन का तुम्हें नहीं लगा रहा, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा जाने को, लम्हे में भी बड़ी मुश्किल से गुजारूंगा। अच्छा जी, लम्हे की पैकेजिंग भी यही है, देख लीजिएगा, ये इस तरह से आप खोलेंगे, ये आपको लम्हे मिल जाएगा। जी बताइए मुझे कैसा लगा लम्हे? बहुत अमेजिंग है, बहुत परफेक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग, टिपिकल विमेंस परफ्यूम। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छा, आपको पसंद होता है जो। अच्छा, एक परफ्यूम जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई वांट यू गाइस टू हैव इट, वो ज़ीस्ट है। ज़ीस्ट जो है बड़ा कमाल परफ्यूम है, ज़ीस्ट के माने होता है जिंदगी, और इसको मैं चाहता हूँ कि सब लगाएं। ये ख़वातीन का है, अगेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो आप हमारे 8 डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स हैं, और 8 के 8 अवेलेबल हैं। आप मुझे बताइए, ज़ीस्त का मैंने पैक उठा लिया है, इस तरह का पैक है, आप इसको ऐसे खोलेंगे और ये ज़ीस्त आपको मिल जाएगा। कैसा है? बहुत अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस ये टाइम आप सब बहुत अच्छे, टाइम्स अप, सारे अच्छे। अब भी कॉल कीजिए, ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर, या नूर। और आई जी, शायरी का मुकाबला है और घमसान की जंग है। आप बच्चे के क्या होता है, आप लोगों ने शेर पढ़ दिया था, किस पे ख़त्म हुआ था? ये पे आपने पढ़ना है, ये से। ये ज़रूरी तो नहीं हीर फकत ढंग से हो, यार का शहर कराची भी हो सकता है। यार का शहर, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या बात है, अच्छा, एक ने कराची का नाम लिया, दूसरे ने लाहौर का नाम लिया, दैट्स वेरी वेरी गुड। हाँ जी, शायरी में आप कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ बताइए। ये तेरा लहजा किताबों की मानिद है, हाँ, और मैं भी किताबों की मानिद खामोश हूँ। वाह क्या बात है। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम। वाह 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 वाह, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मेरा दुख है, शहर का दुख है, ये मेरा नहीं, ये तमाम का दुख है। अच्छा, ये नहीं जानते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह क्या बात है, क्या बात है, आसानी को, वाह। वो जो एक शख्स मुझे तानाए जा देता है, मरने भी लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, कहां देता है ऐसे शख्स से भागो। ये इस्तराब उतरता है वजन में मुझ पर, ये शायरी है दिमागी खिंचाव की आवाज। वाह वही उल्फत के आवाज, जाहिरन मुझसे मिलते हैं बड़े, जाहिरन किससे होगा, जाहिर, जाहिद, जाहिद, जाहिदन, जाहिरन, जाहिरन तो ज़ाद से होगा ना, ज़ोए से आएगा ना, ज़े है। जाविये बदल दिए मोहब्बत के हमने, बदल दिए जाविये बदल दिए मोहब्बत के हमने, जब से उसने हमारी गली से गुजरना छोड़ दिया। पता नहीं कौन आदमी है जिसने ये सब किया, बट एनीवे छोड़ दिया। इसीलिए असीर हूँ मैं सरजमीने झंग का, वाह सुना है मैंने, हीर है अखीर है।
अच्छा ये अच्छा है, अखीर है। इसीलिए असीर हूँ मैं सर जमीने झंग का, सुना है मैंने झंग की जो हीर है अखीर है। ये अच्छा है। ये जो मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये तो बताओ तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते बेटा। बराबर हैं? नहीं जी, अब छोड़ दें, अब हम जिस जगह आ गए ना वहाँ दो मिसरे होने चाहिए, बराबर ना बराबर की कोई कहत नहीं है, पर दो मिसरे हो जाए काफी है। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा, तुम अगले जख्म की छोड़ो ये घाव कैसा लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये यहाँ से इनके दिल से निकलती हैं चीज़ें ना, इस किस्म की डॉक्टर साहबों को बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें ना, ये घाव कैसा लगा। अच्छा मतलब अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, अभी खा के ठोकर के फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। मरीज मोहब्बत आंख देखेगी तो उस हुस्न से ठंडक लेगी, होंठ चूमेंगे तो उस आग से जल जाएंगे, जानता हूँ तेरे मायार को लेकिन मेरे दोस्त तू साथ रखेगा तो हम खुद ही बदल जाएंगे। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, शेर एक ही पढ़िए, कथा मत पढ़िए, ठीक है जी। हाँ बदल जाएंगे ये मोहब्बत भी समझ लो है मुसीबत ऐसी, अपने रकबे का ही कब्जा न खरीदा जाए। क्या बात है, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है, अपने रकबे का कब्जा न खरीदा जाए जी। बाबा ये हुस्न जो तेरे शहर पे आन पड़ा है, पढ़ने लगते ना मुझे हंसी आ जाती, पता नहीं क्यों, I don't know क्या वजह होती है आपका, वो रिलेशन डेवलप हुआ है उस पे। हाँ मेरा हैदर हैदर को मैं बहुत पहले जानता हूँ। पढ़ो पढ़ो। ये जो हुस्न शहर पर वारिद हुआ है तेरे, लगता है हर घर में हुस्न की चादर है। वाह क्या बात है, शेर अच्छा है, शेर अच्छा है। यूं रिहा करने के इम्कान में रखा हुआ है उसने जिंदा हमें जिंदान में रखा हुआ है। क्या बात है, जिंदान में। अच्छा, ये आपको तो बहुत पसंद आया होगा जी जी। हाँ। आपको तो बहुत पसंद आया होगा जी। ये कह दो पाबंद सलासल जिस पे चाहो कर लो। अच्छा। हम आशिक मिजाज लोग हैं तेरे शहर से गुजरेंगे। वाह क्या बात है, ये ढिटाई की आखिरी हद है, कोई बात नहीं, हम आशिक मिजाज तेरे शहर से गुजरेंगे, मतलब बंदा अपना काम पूरा करे। यजीद मौसम इसियां का लाइलाज मरज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस अब मैं ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करते हैं। पहला राउंड खत्म हुआ जी, आखिरी राउंड के लिए फैसला हो जाएगा, इसमें लफ्ज जज देंगे, आप लोग अपने लफ्ज तैयार कर लें, आपने उसे अशार में इस्तेमाल करना। ब्रेक जी, मुकाबला बहुत टफ है, वेरी नाइस। उसे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। और आई जी, मुकाबला बड़ा टफ है दोनों टीम्स, और मुझे आज वाकई बहुत दुख होगा जब एक टीम डिसक्वालीफाई हो, मतलब डिसक्वालीफाई नहीं, एक टीम एलिमिनेट होगी तो मुझे वाकई दुख होगा। बाय द वे इसके रूल्स मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास सेव्स हैं, जजेस के पास भी एक एक सेव है, अब लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे पास इस मुकाबले में ज़्यादा सेव्स हैं, जजेस के पास, हर जज के पास एक सेव है, लेकिन हम अपने सेव्स फाइनल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेमीफाइनल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्वार्टर फाइनल तक अपने अपने सेव्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर रिदा बतूल साहिबा। रिदा आप पहला लफ्ज देंगी टीम ए को और उसके बाद फिर टीम बी पे हम जाएंगे जी। जरूरत 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 नहीं जी जी नहीं नहीं, आपने शेर नहीं पढ़ना, शेर नहीं पढ़ना, शेर नहीं पढ़ना, जिनका ये इसी तरह से है, नेगेटिव मार्किंग है, जब नहीं पढ़ सके तो पॉइंट हो गया, पॉइंट कैलकुलेट करते रहे। हाँ जी, नशेमन नशेमन उस नशेमन से ताल्लुक रहा, उस कबीले से ताल्लुक, नशेमन से ताल्लुक। अच्छा खैर जी, आंसू हाँ जी डॉक्टर साहिबा। इब्तदा करता हूँ उस रब की ज़ात के नाम से जो लफ्ज़े कुन को फायकून करने की इस्तताअत रखता है। अगर आप लोग मानना चाहें तो, मुझे तो उसमें वजन कहीं भी नहीं लगा, बट बहरहाल
मुझे वजन नहीं लगा जी। तेलुक जी, तेलुक ताल्लुक, ताल्लुक तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। वाह क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, खराश खराश नहीं जी, नेगेटिव वन नेगेटिव टू। हाँ जी, इल्म 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 नहीं जी, टॉक्स जमाना जमाना नहीं जी। सर मसनून मसनून नहीं जी, डॉक्टर साहबा पानी 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 तरसता रहा फुरात के किनारे, हुसैन के चश्मों से कई चराग बुझे हैं। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ये शेर बेटे, दोनों मिसरे बराबर, एक तो बराबर नहीं है। नहीं नहीं, फायलातुन की बात नहीं है। देखें बात ये कि क्या आप ये बताइए, अगर आप मानना चाहें आप दोबारा पढ़िएगा इसको। नहीं नहीं, और यही शेर पढ़ा जाएगा, यही शेर पढ़ा गया, ये शेर नहीं है। आपने आगे पीछे मिसरे लगाए, आपने आगे पीछे मिसरे लगाए, ये शेर नहीं, ये शेर नहीं जी। नहीं नहीं, हो गया हो गया, पॉइंट है। हाँ जी फैसल, आपकी बारी है। मैंने उनको देना है। ओके, खुलूस खुलूस मेरा खुलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा, मैं जख्म गिनता रहा और तू लगाता रहा। वेरी नाइस, अभी दो दो पॉइंट से बराबर हैं, टू नेगेटिव जी बताइए। असीर असीर एक असीर जादी बसी है मेरे घर में, जहेज के ताफुन में उसको कोई उठा ले जाए। एक अमीरजादी असीरजादी असीरजादी ओके जी। हाँ जी, हौसला हौसला ऐ मोहब्बत मुझको ऐसा हौसला खैरात कर, तुझको बाजू से पकड़ के कह सकूं के बात कर। वाह, नोक 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 नून वाव काफ। किसने नॉक किया मेरे दिल के अंदर, किसने नॉक किया, नॉक 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 वो नॉक नहीं, इसका मतलब ही शेर खुद बनाते हैं बच्चे। अच्छा जी छोड़ दीजिए, उर्दू में तो इंग्लिश तीन तीन से बराबर है, तीन तीन से बराबर जी डॉक्टर साहब इनके लिए। जख्म कोई भी ले ले। मैंने चाहा था जख्म भर जाए, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। वाह क्या बात है, सही तो ऐसा चाहे क्यों था। वक्त वक्त की एक आदत अच्छी है इस जहां में, अच्छा हो बुरा हो गुजर ही जाता है। वक्त की आदत अच्छी है इस जहां में, ये शायर कौन है, शायर बता। हाँ हैदर शायर है ना, ये शायर, ये शेर नहीं है। वक्त की आदत अच्छी है इस जहां में, ऐसे ये नहीं नहीं, ये ना करें ना, ये ना करें। आपको पता है, आपको पता है, ये रदीफ काफी की बात नहीं है, यहाँ पर खड़ों के शेर बन रहे जी। ये तो काउंट नहीं होगा। नहीं काउंट नहीं, काउंट नहीं। झोंक और आई जी, ब्रेक ब्रेक पे क्या नतीजा है, नहीं है जी। तो इनकी ब्रेक है, अच्छा जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फैसला होता है। मुझे लगता है तीन तीन बराबर हैं, मुझे लगता है, क्योंकि झोंक आप नहीं कर सके थे, आप झोंक नहीं कर सके थे ना, झोंक झोंक ये नहीं कर सके थे। एक अच्छा आएगा, ठीक है आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद लेट्स सी। समझ गया, समझ गया। जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। और आई जी, मुकाबला बड़ा शदीद, एक एक क्रूशल पॉइंट पे आ गया है। चार गलतियां की हैं टीम बी ने, तीन गलतियां की हैं टीम ए ने। अगर इस वक्त एक गलती की गुंजाइश है
टीम ए के पास और किसी गलती की गुंजाइश नहीं है टीम बी के पास। टीम बी से अब पूछा जाएगा, अगर टीम बी ने इस सवाल का इस शेर को गलत पढ़ दिया या नहीं पढ़ सके तो फिर टीम ए आज की फातह है, वरना अगर पढ़ दिया तो फिर 5-5 लफ्ज़ दिए जाएंगे। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। जी डॉक्टर साहिबा, तो जान लीजिए 4 गलतियाँ आपकी, 3 आपकी। अगर आपने ये पढ़ दिया तो इसका मतलब है आप इनके बराबर आ जाएंगे, वरना मसाइल का शिकार हो सकते हैं। हाँ जी, इब्तिदा पहले हो चुका है, वैसे इब्तिदा हो चुका। अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं। अंदाजे मतलब गेसेस, नो अंदाज क्या है ना, बयान को कहते हैं अंदाज, कहते हैं स्टाइल जो होता है। अंदाजे नहीं अंदाजे यानी गेसेस बड़े ये के साथ गेसेस अंदाजे। मेरे सब अंदाजे गलत निकले मैं समझता था कि वो बस मेरा है। सब गलत निकले अंदाजे, पहले हम आपसे शुरू करेंगे। 1 2 3 गो। खिजां की रुत में बहार लहजा बना के रखना कमाल ये है। Alright जी, आपा। आदत। नहीं जी। उसकी। Time's up जी। पेश। ये अलग। 1 2 3 नहीं सारे कबाइल कर ले, तूने करने हैं पेश जितने दलाइल कर ले। ऑलराइट ठीक है जी। तेरा जर्फ देखा है अब तू मेरी शाइस्तगी भी देख। हैं आगे तू मुझे देख, मैं तुझे देख। आगे नहीं है, अब तो तेरा जर्फ देखा है, अब तो मेरी शाइस्तगी भी देख। अच्छा जी आप फन आपकी बाबा आप सॉरी आपा की बारी सॉरी जी। नहीं क्या कह रहे हैं? नो फन इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नो जी। बाहर जी सर। मन मस्जिद तो बना दी शब्बर में ही मां की हरकत वालों ने, मन तो पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सके। गलत ये, और ये इतना बड़ा शेर आप गलत नहीं पढ़ सकते। अल्लामा इकबाल का शेर, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। एनीवे बहरहाल जी। बिछड़े अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जैसे जिस तरह सूखे हुए फूल किताब। गलत जी। नसीब नहीं जी। लास्ट शैदा वहां पे। अच्छा शैदा हो गए सबके, एक आपका रहता। नहीं जी आप बताइए। मुसाफिर डन जी। अच्छा डन, नतीजा बताइए। बराबर है अभी भी।
बराबर है, बराबर है। दो दो अल्फाज, दो दो अल्फाज, दो दो अल्फाज। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे, दो दो अल्फाज। वेरी गुड, बहाना। नहीं जी, आपा। दश्त, दश्त, दश्तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरो जुलमात में दौरा दिए घोड़े हमने। गलत, में गलत, 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 गलत। इतने बड़े अशार आप गलत नहीं पढ़ सकते, इतने बड़े फोरम पे गलत नहीं पढ़ सकते जी। समार, 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 समात, समार, समार, समार दिया, निखार दिया, समार दिया, निखार। उसकी उसकी आदत है मेरे बाल सवारे रखना, उसकी कोशिश है किसी और को अच्छा न लगूं। समार, समार। अच्छा जी, वफा, वफा। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बस खत्म हो गया ये। नहीं जी, नहीं। अच्छा जी, खत्म हो गया, ब्रेक है, खत्म। मुकाबला अब भी बराबर है, अब भी बराबर मुकाबला है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, कल दोबारा आप लोग आइए, कल दोबारा से शुरू करेंगे यहीं से। मुकाबला बराबर है, टॉस नहीं हो सकता इसमें। मुकाबला बराबर है, यू आर गोइंग टू कम अगेन टुमारो। दोबारा खेलते हैं, ब्रेक। उसे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो ऐसा
ऐसा कोई इल्तिज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सलमान, मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसके, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाए, बदन पे कपड़े वाजबी से, न खुश लिबासे न खुश कबाई, यही है कुल का इनात जिसकी, सिफात उसकी वही तो सुल्तान बहर उबर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर तक का निसाब लाया, और दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इंकलाब लाया, वो अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और एक ऐसा सवाल है जो मैं अपने तमाम लोगों से करना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं उनसे करना चाहता हूँ और आपसे भी करना चाहता हूँ। आज शहरयार दाऊद साहब किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन कल मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करूँगा। मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ इस बात को सुन के कि एक सवाल आलिया ने हमें दुबई से भेजा है, पूरा नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन दुबई से उनका ये सवाल आया है कि औलाद का ये कहना कि वालदैन ने हमारे लिए किया ही क्या है, ये कैसा है। तो मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ, बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेरे
चारों तरफ लोग हैं, जाहिर है ये बात कर सकते हैं। फैसल, सबसे पहले आपसे बताइए, ये कैसा जुमला है कि और वालदैन ने मेरे लिए किया क्या है? अच्छा, जुमला तो इंतहाई मायूस कुन है कि आप ये कह रहे हैं कि औलाद होते हुए आप कह रहे हैं वालदैन ने कुछ नहीं किया। वालदैन तो चाहे माँ हो या बाप हो, मैं अगर बाप हूँ या माँ है तो वो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे वालदैन ने हमें, भाई हम बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि दौलत सिर्फ को सिर्फ दौलत नहीं है। अगर जो सवाल आपके लिए आप पास आया है कि क्या किया है, हमारा वो स्टेटस बिल्ड नहीं किया है या हम उस काबिल नहीं हो सके, अरे आपको सबसे अच्छी बात कि आपको रिस्क दिया है जो अल्लाह ताला ने दिया, उस वो आप तक प्रोवाइड किया है। आपके रात में जो आप बचपन में जो आप बचपन इंसान पेशाब वगैरह करता है उसको वो मतलब एक एक चीज़ आपका दुख सहना, आपको अगर चोट लग जाए उसका अंदर मतलब उसके साथ लेके चलना, आपको तालीम देना, अगर तालीम नहीं भी दे सके किसी वजह से तो आपको बाशूर बना, एक शऊर देना, आपको जो अकल, जो आप ये बात आप कर रहे हैं कि औलाद ने मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये वजह कब आती है? मुझे वाकई मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। सर, बोलिए, थिंक क्या कहते हैं आप? साहिर भाई, सबसे पहले तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालदैन तुम्हारी जन्नत हैं अगर तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो, और तुम्हारी दोजख भी अगर उनकी नाफरमानी करो। ये इब्ने माजा की मुस्तनद हदीस है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाया और उसके बाद हुजूर की बारगाह में आया, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी माँ की उस एक सांस का, उस एक आह का भी हक अदा नहीं किया कि एक रात तुम जब तुम खुश्क बिस्तर पर सो रहे थे और तुम्हारी माँ ने तुम्हें खुश बिस्तर पर तुम्हें सुलाया और ख़ुद गीले पर सोई, तुमने उस एक सांस का हक अदा नहीं किया। आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने वालदैन औलाद पर अपनी जान, अपनी माल, सब कुछ लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, और ये औलाद जब बड़ी होती है तो ये स्टेटस कॉन्शियस होकर कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। किसका है कसूर, किसका है? उसके बाद मैं आप दोनों की तरफ भी आता हूँ, बट कसूर किसका है? कसूर अगर देखा जाए तो कसूर औलाद का है। ठीक है, औलाद का कसूर है। आपको लगता है सिर्फ औलाद का कसूर है? क्या हमने भी वो कल्चर दिया जो हमें मिला? कहीं कहीं वालदैन का भी है, कहीं हमारा भी कसूर है ना? हम अपने बच्चों को वो नहीं दे सके जो देना चाहिए था। हम देखिए, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो सिंपल बात यह है कि हमने जो ढूंढने की कोशिश की वो हमें मिल गया, हमें ज़माना मिल गया, मगर हमसे अपनी औलाद खो गई। हमने अपने कल्चर में, मैं आज देखता हूँ अपने बच्चों को तहजीब सिखा रहे होते हैं जो यहाँ आके पोडियम पर भी तकरीरें करते हैं, तो अक्सर उनसे कहते हैं कि ये आपकी गलती है। गलती उनकी बिलाशुबा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी तो गलती है। बिल्कुल है, हमें भी तो जिम्मेदार ठहरना है। हम अपने बच्चों को क्या वो दे पाए जो हमारे वालदैन ने हमें दिया? उनको टोका क्यों नहीं? एग्जैक्टली, आई थिंक टाइम स्पेंड करना, आज के वालदैन टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। साहिर भाई, सबसे बढ़कर देखें, छोटे बच्चे का जहन खाली कैसेट की तरह है, जो भरेंगे बस वो भरता चला जाएगा, उसी का रिजल्ट बड़े होकर नजर आएगा। अच्छा, हमारे वालदैन ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल किया है। तो अब उस रिटर्न जो है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल करते हैं, टाइम निकालते हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, कल मैं अम्मा के पास गया, मैं अम्मा के पास ही था, तो अक्सर शाम में मैं वहीं होता हूं, तो मैं गया तो मैंने कहा अच्छा अम्मा फिर मैं कल आऊँगा, तो मुझे कहने लगी नहीं बस तुम कल मत आना, तुम आराम कर लिया करो कुछ। ये माँ है। कहने की बात यह है कि दिस इज़ यू नो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कसूर दोनों तरफ का है, सिर्फ औलाद का नहीं है, सिर्फ माँ बाप का नहीं है, दोनों तरफ का कसूर है। हमको वापस से अपनी बुनियाद पे जाना पड़ेगा, अपनी कोर पे जाना पड़ेगा, उस कोर को समझना पड़ेगा। जी, क्या कहते हैं आप? मेरा तो दिन नहीं गुजरता जब तक मैं अपने वाले साहब को ना देखूं। रात के 2 बजे भी आऊं तो उनके साथ आके बैठता हूं, 10 मिनट बैठूं, पर बाद पिछले साल वालदा का इंतकाल हो गया, अब मेरी सारी दुनिया मेरे वाले साहब है, मेरी फैमिली है। हमने अपनी माँ का बहुत क्रूशल टाइम देखा जब वो बीमार थी और कैंसर से फाइट कर रही थी, तो मेरी तो पिछले साल मेरी दुनिया उजड़ गई थी, मेरी माँ चली गई थी। अब वाले साहब हैं, वही दोस्त हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए। उस दिन को मुस्कुरा के देख लेते तो जन्नत और हज का सवाब मिल जाता है। तो पाप पे कुर्बानियाँ दी हुई हैं औलाद के लिए, माँ ने कुर्बानियाँ दी हुई। साहिर भाई, बिल्कुल कुछ शक नहीं, मेरे बाप ने बहुत कुर्बानी दी और सबके वाले साहब देते हैं कुर्बानियाँ, खुद नहीं पहनते, औलाद के लिए खरीदते हैं। माँ का भी यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे वालिद आज भी एक मेरे ऑफिस के अंदर एक बादाम का एक डब्बा रखा हुआ, तो वो हमेशा राजा से पूछते हैं
भाई के पास बादाम ख़त्म तो नहीं हो गए, वो लेके आते हैं ख़ास तौर पर, मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ, तुम ज़रूर खा लेना। आप बताइए, आप अपनी वालदा के बहुत करीब हैं जी। बिल्कुल, तो क्या लगता है किसका कसूर होता है? देखिए, कसूर जो है ना, जब तक इंसान छोटा होता है ना तो बड़ों का कसूर होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है ना तो फिर इनफरादी कसूर होता है। हमें जो सिखाया गया, हमारे जो वालदैन ने सिखाया ना, कि उन्होंने ये सिखाया, मेरे वालिद की एक बात मुझे बहुत अच्छी हमेशा लगती है, वो ये कहते थे बेटा काम अपना अच्छा करोगे दुनिया तारीफ़ करेगी, काम अपना ख़राब करोगे दुनिया बुराई करेगी। तो ये बात तो तय हो गई, आप किसी से कंपैरिजन में जाए नहीं, आप सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करें। आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे कामयाब होंगे। बात है तरबियत की, तरबियत इतनी सॉलिड है कि उनको, उन्होंने ये हमेशा कहते थे कि यार मुझे अपने अपनी तरबियत पर जो है ना फ़ख्र है कि मेरा जो कोई भी बेटा जो है ना नाकाम नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पांच भाई हैं, पांचों कामयाब हैं। तो उसकी वजह ये कि हाईली एजुकेटेड नहीं है हम, लेकिन हमने कम पढ़ा है, लेकिन हमारी तरबियत बड़ी सॉलिड है कि भाई आपने ईमानदारी से काम करना है, कोई भी काम करना है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, वो एक एक है तो वो गज़ल नज़म के अंदाज़ में वो गज़ल है, लेकिन बड़ी कमाल बात है। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना, उसमें चार अदवार का जिक्र है। अच्छा, मैंने अपने दादा को देखा है तो कहते हैं दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका ना डाकुओं का डर था, खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहर, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है। फिर वालिद का जिक्र करते हैं और ज़बरदस्त बात है, वालिद के जिक्र में क्या है कि अब्बा का दौर आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई, आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। फिर कहते हैं अब अपने दौर की बात है, अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आंसू ना मुस्कुराहट जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। क्या बात, बिल्कुल, जर पास है जमी है लेकिन सुकून नहीं है, पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और फिर आने वाली नस्ल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और यंगर जनरेशन को कहता हूँ तुम्हारे हाथ में ये दुनिया होगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं ये दुनिया होगी, ए आने वाली नस्लों, ए आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी ना भोगो, जिस तरह भीड़ में हम तन्हा रहे अकेले, ये जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले, तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। आई जस्ट होप एंड प्रे कि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकें, बिकॉज यू नो अब हमारा दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, अब जिसका दौर आएगा वो इस मुल्क की निगबानी भी करेगा, इसकी पासबानी भी करेगा, और हमें उनके पीछे चलना है। मैं आपको बताऊँ एक एक, आपको याद है ना यूदी हमें आज़ादी की दुनिया हुई है, हुई है यार, उसमें एक कथा है फैसल, मैं बताऊँ वो कमाल कथा है। कहते हैं बड़ा बड़ा नहीं वो, ये वतन तुम्हारा है, उसमें वो कथा तुम हो पासबान इसके, तुम हो पास, उसका एक कथा है, मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि जब हम वालदैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी नस्ल की आ जाती है। हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, जितना उनको अपने आबा के बारे में बताएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए आसानियाँ होंगी। बिल्कुल सही बात है, और बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप अपनी औलाद से दोस्ती नहीं करेंगे। मेरी बेटियों से दोस्ती है, मैंने दोस्ती की उनके साथ, मेरी बेगम उसकी दोस्ती है, आपकी बेटी से दोस्ती है, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। जब आप दोस्ती करेंगे तो कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऊंच नीच होगी वो आपको फौरन बताएगी, अपनी माँ को फौरन बताएगी वो। जब घर से दोस्ती मिलेगी ना तो बाहर दोस्ती। बिल्कुल फैसल भाई, आपने जो बात कही ना कि टाइम स्पेंड करें, मैं अपनी कल की मिसाल आपको बताऊँ। मेरे एक दोस्त के वालिद, फैसल मुइज़ के वालिद का इंतकाल हुआ, कैप्टन मुइज़ साहब का, वो बहुत ज़िंदगी में उसके करीब रहे, यकीन करें आज अपने वालिद से उसको इतना इश्क था कि आज उसके वालिद का ही पहला रमज़ान है कि वो नहीं है, वो कब्रस्तान में जाके इफ्तारी करता है, वहाँ के गोरखनों सबको जमा करके इफ्तार वहाँ पर गुजारता है। मैं हैरान हो गया। एक मैं ब्रेक लेना है मुझे जी सर, लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ जाता है, आइए चलते हैं अज़ान मग़रिब की जानिब लाहौर। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। जी
जी अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट से ऑर्डर करते हैं तो आप याद रखिए 55% आपको डिस्काउंट मिल रहा है पिज़्ज़ा पॉइंट का। थैंक यू सो मच, आपके वाउचर्स मेरे पास हैं, आप सबके लिए वाउचर्स हैं, 55% ऑफ है पिज़्ज़ा पॉइंट का। साथ साथ मैं आपको बताऊं कोक हमेशा से हम सबका बहुत फेवरेट मशरूब रहा है। कोक ने एक चीज़ शुरू की है जिसे कहते हैं शेयर अ कोक शेयर अ मील, और ये बड़ी कमाल बात है, बहुत कमाल बात है। रिस्क ट्रस्ट के साथ मिलकर इन्होंने ये पाकिस्तान से भूख और गुर्बत के खात्मे के लिए ये जो शराकत दारी की है ये बड़ी कमाल है। इसके ज़रिए ये पाकिस्तान भर में शेयर अ कोक शेयर ये पाकिस्तान भर को शेयर अ कोक शेयर अ मील में शमूलियत की दावत देते हैं। रिस्क ट्रस्ट के साथ शराकत दारी के तहत कोक का एक एम है कि कोको कोला का एक कोक फरोख्त करने पर एक वक्त का खाना अतिया करेगा। दैट मीन्स आप देख लीजिए गौर से कि ये कोक अगर एक आप लेते हैं तो इसकी वजह से एक शख्स को खाना मिल जाएगा जिसे खाने की ज़रूरत होगी। तो शेयर अ कोक शेयर अ मील इनका ये इंसेंटिव है, एंड वी वांट टू से थैंक यू टू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका सिर्फ एम एक है कि ये पाकिस्तान से भूख और गुर्बत का खात्मा कर सकें, और आइए मिलके हम ये शेयर अ कोक एंड शेयर अ मील में हिस्सा लें, पूरे पाकिस्तान को दावत है। थैंक यू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो टू दैट ऑल। आपको पता है कि आजकल कोविड का दौर है, और कोविड का दौर बड़ा प्रॉब्लमेटिक दौर है, आपको डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है, और इनका जो ये डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये जो सर्फेसेज हैं उनसे कोरोना वायरसेस को महफूज रखता है। कार सोफा सीट्स कहीं भी जहां पर भी आप हों आप स्प्रे कर सकते हैं, इतने फासले से आप इसको स्प्रे कर दें, इस तरह से आप स्प्रे कर दें, और इसके बाद कोरोना जैसे ख़तरनाक जरासीम भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अब हम आइए हाथ धोने की तरफ चलते हैं। ये आपको जरासीम से पाक रखता है, साफ़ रखता है। आप ये देख लीजिए मैंने इस तरह से हाथ धो लिए हैं जी, और याद रखिएगा जी कराची और उसके मज़ाफात में अब अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, उसकी तरफ चलते हैं। डेटॉल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी ज़िंदगियों में डेटॉल को शामिल करें। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمد رسول الله هيا على صلاة
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.